एस एस आर्मी आ चुकी है आई वॉन्ट फुल सपोर्ट ऑफ योर गाइज एंड 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 आई गॉट सो मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट

तो मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दू हमारे बहुत 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 प्यारे सर हैं राहुल सर जिने मैं पर तब ही आएंगे वो जब फटाफट से वाचिंग बढ़ाओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे क्योंकि लाइक्स भी बढ़ते हुए नहीं दिख रहे मैम को वाचिंग भी बढ़ते हुए नहीं दिख रही है और ऐसे मजा नहीं आएगा कॉम्पिटिशन बढ़ाओ और फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बुलाओ चलो देन वील स्टार्ट आज हम आप क्लास इसको कंसिडर कर सकते हो बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी सीरियसली हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत असेंशियल है तो ऐसे सामी काम पे लगना है से फटाफट से अंडर वॉचिंग करो सर को मैं बुलाऊंगी देन वील गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड देन वील स्टार्ट विद सुपर सुपर अमेजिंग रिवीजन ऑफ टूडे सो हम लोग पूरा बायोलॉजी रिवाइज करेंगे आई लव यू ऑल आई लव यू ऑल श्रेया आकाश सारे प्यारे बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाना है मेरी एस एस आर्मी काम पे लगना है ठीक है बच्चा

100, पड़ा पड़ा, अच्छा आप लोगों के लिए हम पूरा रिविजन लेकर आ रहे हैं यहाँ मेंटीज़ हम करवाने वाले हैं एंड यू गाइज आर सो लेजी इतने लेजी हो आप लोग क्या शेयर नहीं हो रहा अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला पा रहे हो राइट सो ना दैट ना दैट क्लोज टू हंड्रेड

जो जो वो जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं बिल्कुल मैंने और मैम ने कल बैठ के पूरे जोन क्यूरेट किया है आप लोगों के लिए हमने सारा कुछ हमारा पूरा रिविजन प्लान गए गुड मॉर्निंग सूरज ठीक है तो पक्का से इसको शेयर कर दो जिसको नहीं पता बुला लो क्योंकि बहुत अमेजिंग से सेशन होने वाला है पूरी इलेवंथ जूलॉजी एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू देन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ जूलॉजी इन टूडेज क्लास ठीक है yeah. तो बहुत बढ़िया से इसको शेयर कर दो एंड वी विल स्टार्ट आर लेक्चर एंड मैम विल टेल यू दैट वी आर गोइंग टू टेक क्लास इन सीक्वेंशियल मैनर ठीक है फर्स्ट आज इलेवंथ वाला पूरा रिविजन है yes. इसके बाद वी विल टेक अ मेगा विली Then uh, to, uh, tomorrow you will have a mega revision for botany. Then you will have a mega mentee for botany also.

रिवाइज होगी पूरी आफ्टर दैट वी गोना टेक अ मेंटी फॉर बायोलॉजी ऑफ इलेवेंथ देन हम ट्वेल्थ का जुलॉजी रिवाइज कराएंगे फिर ट्वेल्थ का बॉटनी होगा एंड देन ट्वेल्थ का मेंटी होगा एंड देन देर विल बी अ कंबाइंड मेंटी गाइज Right. है तो यहाँ हम छोरी का वह करेंगे यहाँ हम आपको छोरी के साथ कौन से क्वेश्चन एग्जाम में से आ, आ, सकते हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कहते हैं कि यार ये आएगा वो आता है ठीक है बच्चा सो यू हैव टू डू इट यू हैव टू बी सुपर सुपर एक्साइटेड एंड यू गाइस हैव टू शो फुल लव एंड फुल सपोर्ट ऑल राइट तो सर अभी एनिमल किंगडम से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू गो टू

आनंदा, कीर्ति, अवनी निधि वैशाली पवन अभिजीत गौतम वर्षा पायल किंग बहुत बढ़िया मनीष वेरी गुड बच्चों वेरी गुड अ वेरी वॉम वेलकम तो चलो स्टार्ट करते हैं मेगा रिवीजन है बैठ जाओ अपना नाश्ता वास्ता लेके चाय पानी लेके यहीं पे बैठ जाओ ये कहीं हिलना नहीं है कहीं जाना नहीं है समझ रहे बात को टू बी वेरी वेरी फोकस इस लेक्चर में बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है लंबा लेक्चर है आराम से पढ़ने वाले हैं चलिए लेट स्टार्ट ठीक है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो एप जरूर से डाउनलोड करेंगे ऐप पे जाके ठीक है गूगल पे पे एंड वी ऑल फोर आर गोइंग तो टू टेक योर क्लासेज ऑफ बो जुलजी एंड बॉटनी ठीक है किंगडम मैंने भी चालू करने वाले हैं बच्चे इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो दो मिनट के अंदर अंदर लाइक एंड शेयर एंड टेल योर फ्रेंड दैट द सेशन हैज स्टार्टेड जल्दी से हल्ला मचा दो तो हर जगह जल्दी से हर जगह हल्ला मचा दीजिए सबको बुला दीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए समझ रहे हो फटाफट जल्दी से बुला लो अपने दोस्तों को ठीक है है गेट रेडी रेडी सब बिल्कुल स्टार्ट लेड़ स्टार्ट, लेड़ स्टार्ट विद आ, अमेजिंग लेक्चर बच्चे देखो बेटा किंगडम एनिम के अंदर जो पहली चीज पढ़ने वाली होती है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जो क्लासिफिकेशन के लिए लिए गए हैं क्या क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन के ठीक है तो पहला हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेल्यूलर टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल यू ओन नो दैट जो ऑर्गेनिज्म है ठीक है जो शुरुआत है लाइफ की वो प्रो कैरियो से होती है फिर यू कैरियोटिक फिर यू साथ में आते सेल बनाते हैं ठीक है सेल बनता है जब बहुत सारे सेल्स साथ में आते हैं सेल एग्रीगेट बनता है सेल एग्रीगेट का मतलब क्या है अ स्टेज इन विच सेल्स आर प्रेजेंट टुगेदर बट दे आर नॉट डूइंग देयर फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट वे दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट वे दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर तो उसको क्या बोलूंगा मैं वो स्टेज को क्या बोलूंगा मैं सेल एग्रीगेटेड स्टेज बोलूंगा मैं ठीक है देन वी हैव अ टिश्यू टिश्यू इज व्हाट टिश्यू इज अ एग्रीगेशन ऑफ सेल इन व्हिच द सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन दे कोऑर्डिनेट विद ईच विद ईच अदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन समझ गए बात को तो ये टिश्यू था फिर टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है देन मैनी ऑर्गन जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ

And 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 the organism which and which have 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 do not is a specific group has it means it is present in patches. Then we have segmentation and notochord बात? तो इस पूरे, को, इस पूरे चार्ट को एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं ठीक है इफ यू वॉन्ट टू टिक स्क्रीन शॉट अगर जल्दी से स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो फटाफट ठीक है किसी को भी लेना है वो ले सकता है स्क्रीनशॉट जल्दी से चलिए तो आगे मूव करते हैं भैया ठीक है जनरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे क्राइटेरिया के अंदर बॉडी सिमेट्री बॉडी सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं ये रेडियल है कौन सी है रेडियल है ये रेडियल सिमेट्री है मींस मैं इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में काट सकता हूं किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में काट सकता हूं समझ गए बात को देखो एसिमेट्रिकल कौन होते हैं पॉरीफेरांस एंड स्पंजस आर एसिमेट्रिकल होती होती है? में होती है. है? है. है में 15% tenophora. याद रखना. के के अंदर क्या है? Radial symmetry है. जो बाकी 85% है, उसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री है कौन सी सिमेट्री है बाई रेडियल सिमेट्री अब बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है रेडियल के अंदर हमने क्या किया था किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था ठीक है किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था पर यहां पे हम क्या करेंगे सिर्फ दो प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ये ठीक है अगर एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में होता है तो बाई लेटरल बोलते हैं उसको अगर दो प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो बाई रेडियल बोलेंगे और किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो रेडियल बोलेंगे समझ गए तो नंबर ऑफ प्लेन कम हो रहे हैं दो इक्वल हाफ में कम काटने के लिए नंबर ऑफ प्लेन्स क्या हो रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं जैसे कि रेडियल के अंदर देर

याद रखना अब बात यह आ रही है कि सर हम पहचाने कैसे कि रेडियल कौन सा होता है और बायोलेटर कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी तो अगर हमको डायग्राम देके कोई पूछ ले कि इसकी सिमेट्री बताओ तो सर हम कैसे बता सकते हैं वैसे जनरली सिमेट्री हम बता सकते हैं पर बाई रेडियल और बायोलेट्रल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बात यह होती है बच्चे जो ऑर्गेनिज्म स्टेगनेंट है मतलब जो सेडेंटरी है ठीक है सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट मूव विच ऑर्गेनिज्म विच आर नॉन मोटाइल वो सेडेंटरी एक और्गिन्टर ही जगह है

फैसिलिटेट दैट मूवमेंट जिस ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है जिस तरीके से मूवमेंट करना चाहता है उस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करता है बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है तुम देख सकते हो फिशेज की जो शेप होती है आगे से कोनिकल से होती है ठीक है ऐसा नहीं होता कि फिशेज की शेप स्क्वायर्ड होती होगी हो आगे से ठीक है तो क्या होती है फिशेज की शेप इस तरीके की हो जाती है तो क्या है ये एक तरीके से हाइड्रोलिक्स को मेनटेन करने के तरीके है ये डेवलप हुआ है ये अडेप्टन है तो सिमिट्री जनरली जो मूव करते हैं मूव कर रहे हैं जो विचार सेडेंटरी, उनके अंदर क्या होती है जनरली सिमेट्री होती है उनके क्या होती है? होती है. समझ रहे माई पॉइंट्स ठीक है सब बात सब बच्चों को बातें समझ में आ रही है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट थिंग विच इज द सिमेट्री ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये क्या है इंपॉर्टेंट चीज है जो लार्वा है एकाइनोडर्मेटा का वो क्या है बायोलिटरल सिमेट्री शो कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लार्वा है वो ज्यादा एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है एज कम्पेयर टू द एडल्ट जो लार्वा है वो ज्यादा एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है एज कम्पेयर टू द एडल्ट तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस का भी एक एग्जाम्पल शो कर सकता है इन केस ऑफ सिमेट्री सिमेट्री केस में रेट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस कैसे हो गया क्योंकि एडवांस सिमेट्री लार्वा के अंदर है एडवांस कैरेक्टर लार्वा के अंदर है

जब रेडियल थे शुरू के अंदर तो वो कैसे बने होंगे तो बायोलेट्रल बनने के लिए एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ है एक स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है उस उस इवेंट का नाम है सिफिलाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है सिफिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ हेड द फॉर्मेशन ऑफ हैड क्या बोला गया है सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ठीक है स्टार्टेड विद द सिमेट्री सिफिलाइजेशन सिविलाइजेशन सिमेट्री के साथ स्टार्ट हुआ है ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है इसको याद में रख लो ठीक है दिमाग में डाल लो इस चीज को कि इज वॉट द फॉर्मेशन ऑफ हेड अब तुम खुद सोचो व्हाट इज इज हेड किसको पता है यहाँ पे हेड क्या होता है ठीक है सिर्फ जो तुम हिला रहे हो अभी अपना यस और नो में क्या होता है, है?

ठीक है उसको क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं दिस दिस इज इज हेड समझ में आई बात तो तो वेरी गुड बहुत बढ़िया चले सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है कहां से बायोलिट्रल सिमेट्री की स्टार्टिंग से चालू हो रहा है सिविलाइजेशन समझ गए तो सिविलाइजेशन बायोलिट्रल सिमेट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तभी तो दो प्लेन में कटेगा देखो अगर मेरी बॉडी में हेड नहीं होता तो तो अगर किसी की बॉडी में हेड नहीं होगा तो उसको जो है उसको डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा दो पार्ट में अलग अलग प्लेन से पर ऐसा हेड के साथ नहीं कर सकते तुम लोग ठीक है हेड के अंदर डिविडेशन ऑफ और सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर हमने बात कर रखी है कि प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है पॉडिफेरा के अंदर सेल एग्रीगेट टिश्यू प्लान है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान है प्लेटी हेलमेंट के अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान है एस्केलमेंथिस से लेकर अप अपटूटा तक ऑर्गन सिस्टम है ये याद रखना की प्लेटिकलमेंट में सिर्फ ऑर्गन ग्रेड है ऑर्गन सिस्टम नहीं है

वो बात सही है पर वो कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन होना चाहिए पर यहाँ पे हर एक सेल अपना अलग इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म कर रहा है ठीक है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है में। समझ गए बात को देन वी हैव सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन और is is और ऑफ ऑफ सिमिलर लुकिंग पार्ट बॉडी इज 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 कॉल्ड व्हाट हर, हर पार्ट को क्या बोलते हैं है? हम एक पार्ट को मेटामियर बोलते हैं और कहां देखने को मिलता है एनल्डा के अंदर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के हिसाब से एनोडिटा के अंदर बहुत बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामराइजेशन देखने को मिल जाता है और कॉर्डेट्स के अंदर सिर्फ इंटरनल मिलता है यानी कि हम मेरी बात करूं कि मेरे अंदर अगर मेटामराइजेशन शो करेगा तो कहां पे शो करेगा तो मैं कहां देख सकता हूं मेरी बॉडी के अंदर मेटामराइजेशन इनटू माय माई कॉलम तो माई वर्टिप्रल कॉलम्स आर द सिमिलर लुकिंग पार्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर लुकिंग पार्ट आई कैन सी इन टू रिब्स ठीक है तो हम इंटरनल ऑर्गन के अंदर मेटामराइजेशन देख सकते हैं ना कि एक्सटर्नल में हम हमारे एक्सटर्नल के अंदर किसी तरह कोई नहीं देख सकते लेकिन ऐसा ऐसा है है फाइलम फाइलम है बच्चों जहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरनल एज एज वेल एक्सटर्नल वहीं में भी एक्सटर्नल uh, दिखता है रिपीटेशन ऑफ पार्ट दिखते हैं बिल्कुल बिल्कुल ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ना सबको समझ में आ रही है तो लाइक करते रहो यार ठीक है चलिए

ए सिलोमेट यहाँ पे ये क्या है ये ट्रिप्लो प्लास्टिक और ए सिलोम की बात करूं तो ये ऐसे, ए, ऐसे है जो है। बट समझ में आ गई बात क्योंकि मीजन जो सेलो, फिल्ड होता है बीच के अंदर सूडोसिलोमेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिलोम है वो प्रेजेंट होता है पैचिस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है पैचिस के अंदर प्रेजेंट होता है द मीजो पाउस एग्जांपल एसकेलेस इसका एग्जाम्पल क्या है याद रखना इस बात को देन वी हैव एनिमल ट्रू बॉडी से लेकर कॉर्डेटा तक सब में क्या है सिलोम क्या है ट्रू सिलोम होता है इसको यू सीलोम भी बोलते हैं समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात चलिए ओके वेरी गुड माही करण वेरी गुड बच्चे मयंक थैंक यू मयंक वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो ये बेटा बहुत जल्दी से हम बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत थोड़ा स्पीडली इस चीज को लेके चल रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा तुम लोगों को ठीक है अब बात करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन की जो तो किंगडम एनिमिलिया मल्टी सेलुलर यहाँ पे बोल दिया है मैंने ठीक है सेलुलर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो पोरीफेरा पे बात खत्म हो जाएगी सेलूर लेवल के अगर मैं बात करूंगा तो बॉडी फेरा पे बात खत्म हो जाएगी सिमेट्री की बात आएगी नहीं क्योंकि ए सीमेट्रिकल होते हैं बॉडी कैविटी की बात आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे होती नहीं है ठीक है तो पॉलीफेरा याद करने का बहुत सिंपल तरीका फिर हम बात करेंगे टिश्यू ऑर्गनग्रेट सिस्टम सिस्टम की लेकिन यहाँ पे हम दो लोग रेडियल और बायोलेट्रल सिमेट्री से बात ही करेंगे ठीक है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा सिलंट्रेटा और टीनोफोरा क्या है क्या है रेडियल और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अडल्टाइनोडरमेटा भी आ जाएगा यहाँ पे क्यों आ जाएगा अडल्टरमेटा ठीक है तो अडल्ट एकाइनो को भी हम यहाँ पे ले लेंगे अडल्ट एकाइनो को भी हम यहाँ पे ले लेंगे तो CCE याद करके तुम इसको याद कर सकते हो ठीक है एक बोर्ड सिस्टम चला था 10th के अंदर ठीक है सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड एकाइनोडरमेटा एडल्ट बात ये बात याद रखना अडल्ट एकाइनोडरमेटा ठीक है विदाउट बॉडी कैविटी यानी कि ए सीलोमेट ट्रिप्लो कौन है प्लेटी हेलमेंथिस है कौन है प्लेटीहेलमेंथिस है विद फॉल्स सीलोम यानी कि सुडोसीलोम सीलोम विच इज एस्केलेमेंथिस फॉल्स सीलोम कौन से हैं एस्केलेमेंथिस है टू सीलोम की बात करूंगा तो मैं कौन आ जाएंगे इसके अंदर सब आ जाएंगे अप टू एनलेटा टू से लेकर कॉर्डेटा तक सब कौन किस में आ जाएंगे ट्रू सीलोम के अंदर आ जाएंगे समझ गए बात को समझ गए सभी बच्चे बात को तो इस तरीके से पूरी स्कीम है ये एनसीआर का ही फ्लो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से याद करना है बहुत अच्छे से इसने बता रखा है अंदर के अंदर साफ -साफ लार्वा एंड एडल्ट एडल्टेव रेडियल सिमिट्री समझ के अंदर आगे बात समझ के अंदर आगे बात ठीक है चलिए आगे चलते हैं बढ़ते हैं नोटोकॉर्ड

ठीक है इट इज अ टाइप ऑफ स्मार्ट वर्क यू डू ठीक है अभी तुम एक क्लास ले लोगे तुम्हारी पूरी जूलॉजी रिवाइज हो जाएगी वरना अगर तुम बैठोगे तो तुमको तीन से चार दिन लग जाएंगे सिर्फ इलेवेंथ की जुलॉजी कंप्लीट करने में समझ रहे हो बात को तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको लाइक और शेयर करते रहो बच्चों ठीक है लाइक और शेयर करते रहो यार थ्री हंड्रेड लाइक तुरंत हो जाने चाहिए थे चलिए अमीजोडर्मल अम कॉर्ड नोटोकॉर्ड क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोटोकॉर्ड क्या होती है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल मीजोडर्मल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर अप ऑफ टर्जिट सेल प्रेजेंट ऑन द मिडल है कैसा है कौन सा ओरिजन है मीजो डरमल ओरिजन है कौन से डरमिनल लेरिजन हो रहा है मीजो ओरिजन हो रहा है मीजो डर्मली ओरिजन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेडअप ऑफ टर्जिट सेल्स ठीक है प्रेजेंट ऑन द मिड डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा प्रेजेंट ऑन मिड डॉर्सल साइड कहां पे है मिड डॉर्सल साइड पे है कहां पे है मिड डॉर्सल साइड पे है कहां पे है मिड डॉर्सल साइड पे याद रखना ये बात को कहां पे है मिड डॉर्सल साइड देख लो एक बार फटाफट ठीक है लाइक और शेयर यार लाइक एंड शेयर लाइक एंड शेयर ठीक है इस डायग्राम से हम समझेंगे तुम देख सकते हो ये क्या है ये नर्व कॉर्ड है और इसके नीचे क्या है नोटोकॉड है ये यह रही यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो नर्व कॉर्ड में बोलूंगा तो ये कहां पे है ये डॉर्सल डॉर्सल साइड साइड पे 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 है पे है पे. की मैं बात करूंगा तो ये कहाँ पे है ये है मिड डॉर्सल साइड पे है कहाँ पे है मिड डॉर्सल साइड पे है ठीक है समझ गए बात को तो कहा और मिड डॉर्सल साइड पे होने के अलावा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मीजो डरमली ओरिजेंड होनी चाहिए क्या होनी चाहिए मीजो ओरिजिन होनी चाहिए नॉन कॉर्डेट बहुत बड़ा ग्रुप होता है फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमी हेमिकॉर्डेटा सब किस में आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमी कॉर्डेटा तक सब किस में आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं माइ डियर स्टूडेंट्स ठीक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गया सब बच्चों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं हम चलिए फाइलम पॉरीफेरा की बात करेंगे स्पॉन्जिस की बात करेंगे पायलम पॉलिफेरा की बात करते हैं स्पॉन्जेस की बात करते हैं मराइन होते हैं ए सिमेट्रिकल होते हैं ठीक है विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फूड इंटेक एक्सचेंज थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और स्टारफिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज से ठीक है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने की जरूरत है वो अभी समझेंगे हम वाटर ऑस्टिया स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ठीक है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बॉडी वॉल होते हैं बहुत सारे ठीक है ये एक सिंगल आउटलेट होता है इसको हम बोलते हैं औस्क्यूलम और छोटे छोटे पोर्ट्स को क्या बोलते हैं ऑस्टिया ठीक है ऑस्टिया किस लिए होता है इनटेक ऑफ वाटर इनटेक ऑफ वाटर होता है और ये सिंगल ओपनिंग होती है रिलीजिंग रिलीजिंग ऑफ ऑफ वाटर के लिए एक सिंगल ओपनिंग है ये क्या है हमारा ऑस्टिया छोटे छोटे पोर बियरिंग स्पॉन्जिश जारी पौरी फेरा का मतलब क्या होता है पोर बियरिंग एनिमल्स पोर बियरिंग एनिमल्स क्या मतलब होता है

हैव यू सीन अर्दन पॉट ठीक है तो वो पानी का मटका कैसा होता है सिर्फ वॉल होती है और अंदर से खोखला होता है तो ये भी क्या है वॉल होती है अंदर से ये भी खोखले होते हैं इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो तीन तरीके का होता है एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम सिंकोनॉइड कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम ठीक है तो इस तरीका है किस किस बेसिस पे है जो बॉडी वॉल है जो बॉडी वॉल है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आधारित है ठीक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आधारित है जितना ज्यादा बॉडी वॉल अंदर घूमेगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे हो जाएगा डाइजेशन होता है स्केलेटल होता है स्पॉन्जेस यानी कि सॉफ्ट मतलब स्पॉन्जेस को वाला स्पॉन्जिस नहीं समझना हमको क्या है ये सॉफ्ट नहीं होते हैं दीज दीज एनिमल्स हैव स्केलेटल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स ठीक है स्पेक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट बने होते हैं स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट मतलब सेक्सेज आर नॉट सेपरेट ठीक है मेल एंड फीमेल इंटू द सेम सेम बॉडी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं समझ में आ गई बात ठीक है रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है थ्रू द डिस्टिंग लार्वा लार्वा की को याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं इसके अंदर स्पॉन्ज इंडिया फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं यू स्पॉन्ज बाथ स्पॉन्ज एंड साइकन ये साइकन को जरूर से याद करना है ठीक है एग्जाम्पल हमको एनिमल किंगडम में वही याद करने हैं जो एनसीआर टी के अंदर दे रखे हैं बिल्कुल अभी अमनी बोलिए बोलिए अबनी क्या हो गया यस ओके ठीक है एग्जाम्पल हमको वही याद रखना है ठीक है एनसीआर ज्यादा सिर्फ अपने को दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि बिल्कुल बच्चे ये एनसीआरटी ही है पर एनसीआर के अंदर सिर्फ नाम दे रखा है इसका कॉम्प्लेक्सिटी इन द वॉल एंड आई हैव शोन यू विद द डायग्राम सो दैट यू कैन बेटर दिस विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम्स एन के अंदर जो डेटा है जो एग्जाम्पल है वो तुमको एन सी आर टी की ही याद करने हैं बच्चे आई विल नॉट सजेस्ट दैट यू गो एंड मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स विच विल विच आर प्रेजेंट इन ऑल द रेफरेंस बुक तो वो सब नहीं करना है हमको हमको कोई पी एच डी नहीं करनी है अलग अलग फाइलम के अंदर वी हैव टू गेन आ स्पेसिफिक नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जस्ट टू क्लियर अ एग्जाम एंड टू एंटर अ मेडिकल कॉलेज ठीक है उसके बाद हमको साइकिल स्काइफा नहीं पढ़ना है हमारे जाके समझ में आई बात तो इसलिए जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है चलिए आगे बढ़ते हैं स्पॉन्जील या फ्रेश वाटर यू, हो गया और और साइकन हो गया तो ये सब चीजें हो गई आगे चलेंगे इसका जो है बॉडी वॉल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है बॉडी वॉल है तो एक बार बॉडी वॉल को समझ लेते हैं बच्चों देखो इसके अंदर क्या होते हैं अलग अलग तरीके की सेल होते हैं ये एक ही साथ मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम मैराथन क्लास ले रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं बच्चे वो कोनोसाइट होते हैं इसकी जो बॉडी वॉल है इसके अंदर तुम देख सकते हो कि जो बॉडी वॉल है जो पोरोसाइट है ये जो पोरोसाइट है ये पोरोसाइट क्या है ये ऑस्टियम जो ऑस्टिया है हमारी जो ऑस्टिया है जिनसे वाटर अंदर जाता है जिनसे वाटर अंदर जाता है वो ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं हम वहां पे कौन प्रेजेंट होता है पोरोसाइट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं पोरोसाइट्स ठीक है फिर बीच के अंदर क्या है स्पिक्यूल्स है स्पिक्यूल्स मोनोएक्जॉन ट्राईएक्जॉन टेट्रा एक्जॉन हेक्साहेगोनॉन्स

एक्सलेंट ठीक है ये कोलर सेल्स होते हैं इनको कोलर सेल्स भी बोलते हैं ये एक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा पॉरीफेरा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों पॉरीफेरा का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर से इसको याद रखना है ठीक है जरूर से इसको याद रखना है ये डायग्राम अपने आप में सब कुछ समझ, समझा देगा जो नीट के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंस है पौरी की वो सब कुछ इसे तुम समझ जाओगे समझ गए समझ गए जिन बच्चों को एसएस लेना है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं चले हम आगे तुम यार लाइक एंड शेयर तो कर ही नहीं रहे हो लाइक एंड शेयर तो हो ही नहीं रहा है तुमसे क्या कर रहे हो फटाफट लाइक एंड शेयर बुलाओ यार अपने दोस्तों को इतना अमेजिंग सेशन होने वाला है चलिए समझ गए ये बात समझ गए थैंक यू विनय थैंक यू सो मच बच्चे चलिए बिल्कुल श्रुदी पूरा इलेवन जुल खत्म हो जाएगा आज पूरा इलेवन आज खत्म होने वाला है सब बच्चों का ठीक है तुमको रात भर किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है आज का लेक्चर देखो पूरा इलेवन रिवाइज करने की देर है फिर ठीक है ठीक है तो इवन टाइम मत कर बच्चे सिर्फ और टाइम पर एक ही टाइम कर लाइक डिसलाइक मत कर उसको चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे देखते हैं चलो की बात करेंगे ठीक है सिलेंट्रेटा कैसे क्या होती है ठीक है फ्री स्विमिंग है और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है इनमें से कुछ और ज्यादातर कैसे होते हैं सैसाइल होते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि टिप्लो थ्री लेयर नहीं है यहाँ पे सिर्फ कैसी लेयर है एक्टोरेंडो दो ही लेयर है ठीक है एंड रेडियली सिमेट्रिकल एंड कैसे होते हैं रेडियली रेडियलीस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है नीडोब्लास्ट होते हैं है, है, जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर निमेटोसाइट्स होते हैं निमेटोसिट्स ठीक है नीडोब्लास्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ससाइल वालों का और बात करते हैं आगे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्यूलर दो फॉर्म होती है मेजरली दो तरीके की फॉर्म होती है पॉलिप एंड मेड्यूसा पॉलिप वाली फॉर्म क्या होती है ससाइल ससाइल होती 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 है 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 पॉलिप वाली वाली फॉर्म फॉर्म क्या क्या एंड मेड्यूसा मोबाइल होती है, है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इट हैज टू फॉर्म वन इज द पॉलिप एंड सेकंड इज मेड्यूसा द मेड्यूसा फॉर्म इज मोबाइल एंड द पॉलिप फॉर्म इज ससाइल तो हम यहाँ पे बात करेंगे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है एंड इंट्रा सेलुलर है कोरल सेफ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन ठीक है कोरल्स जो होते हैं कोरल्स सुना होगा तुमने कोरल रीफ की बात सुनी होगी कोरल रीफ क्या है कोरल रीफ क्या है कोरल रीफ इसी की बनी होती है जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुमने देखा होगा ठीक है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कैसे बन रखती है कोरल से बनती है समझ गए आगे बात ठीक है अब पॉलीपिथा सेसाइल सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल हाइड्राइड एंड एडमशिया ये बात ध्यान रखनी है हमको कि पॉलिप के एग्जाम्पल हमको अलग से याद करने पड़ सकते हैं पॉलिप के एग्जाम्पल हमको अलग से याद करने पड़ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है मेडिजा इज एन शेप्ड फ्री स्विमिंग फॉर्म एग्जाम्पल फिश जेलीफिश जो जेली फिश होता है ना जो द मूवमेंट ऑफ जेलिफिश लाइक दिस मूवमेंट ऑफ जेलीफिश कैसा होता है ठीक है कैसा होता है मूवमेंट ऑफ जेलफिश ये डांस स्टेप भी बन सकता है इससे समझ लो मूवमेंट ऑफ जेलीफिश ठीक है प्रोपोलेशन वाला मूवमेंट होता है ठीक है यू करके यू देखा होगा तुमने फिश वाला मूवमेंट समझ गए बात को ठीक है इन सम इन सम सीलन ट्रेड ओबिलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम नीट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओबिलिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस इसके अंदर होता है क्या होता है बच्चे मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है किसके अंदर ओबेलिया के अंदर क्या देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है पॉलिप फॉर्म प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्चुअली जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या कर रही है मेड्यूसा को फॉर्म कर रही है पॉलिपॉर्म मेड्यूसा फॉर्म करती है कैसे पॉलिफॉर्म मेड्यूसा एसेक्चुअली फॉर्म कर रही है सेक्सुअली कौन फॉर्म कर, कर रही है और मेडिसा करती है polyp को sexually. तो इस तरीके की प्रोसेस ये मेटाजेनेसिस है पॉलिप मतलब पॉलिप ए सेक्सुअली और मेड्यूसा प्रोड्यूसिस पॉलिप सेक्सुअली तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि क्या हो रहा है ओबेलिया के अंदर पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है ए सेक्चुअली और यानी कि मेड्यूसा से क्या बन रहा है बन रहा है इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं ये ओबेलिया में देखा गया है कैस में देखा गया है ओबेलिया में देखा गया है समझ गए बात को किस में देखा गया है ओबेलिया में देखा गया है और हाँ यू कैन ऑल्सो पढ़ती था फिफ्टी रुपीज कोर्स ऑफ मेगा रिविजन जो क्रैश कोर्स जो कोर्स था जो बहुत ज्यादा हिट कोर्स है करियर पॉइंट का जो बहुत बच्चों ने उससे पढ़ाई की है और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है वो भी तुम लोग ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ फाइव फिफ्टी रुपीज के अंदर

और ये जिन बच्चों ने डिसलाइक किए हैं बारह बच्चों ने मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई क्यों आप वो क्यों समझ ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आ रहा जो आप डिसलाइक कर रहे हैं ठीक है बोल सकते हैं आप ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कोई आपको डांटने वाला नहीं है यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं फाइलम टीनो फोरा की बात करने वाले हैं हम फाइलम टीनोफोरा सी वॉलनट और कॉम जेलीज क्या और क्या बोलते हैं हम इसको कॉम जेलीज भी बोलते हैं सी वॉलट और साथ में क्या बोलते हैं कॉम जेलीज भी बोलते हैं मराइन होते हैं ठीक है मराइन होते हैं ठीक है टिश्यू लेवल हो गया यहां से क्या चालू हो गया है टिश्यू लेवल चालू हो गया है, क्लोकॉम्स, ये याद रखना, एट रोज होती है इनके अंदर ठीक है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक बार हम देख लेते हैं बना के मैं तुमको दिखा देता हूं किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका ठीक है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों और एट ये फ्रंट फेस हम देख रहे हैं ये हम फ्रंट फेस देख रहे हैं टेंटेकल्स बहुत सारे होते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ये क्या होती है एट रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट क्या बोलते हैं हम सीलिएटेड कॉम्प्लेट ये क्या है सीलिएटेड कॉम्प्लेट तो एट रो किसकी है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स किसकी है एट रो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की है समझ गए बात को किसकी है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों है बायोल्युस इज प्रेजेंट बास क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लिविंग प्रोडक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लिविंग और कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है बायोल्युमिसेन्स के अंदर ल्यूसीफर प्रोटीन याद रखेंगे इस बात को कि ल्यूसीफर प्रोटीन क्या होता है इन्वॉल्व होता है ल्यूसीफर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या निकलती है हीट निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है कूल लाइट की फॉर्म में निकलती है किस फॉर्म में निकलती है वो कूल लाइट की फॉर्म में निकलती है समझ रहे हो बात को समझ रहे हो तो वहां से क्या होती है प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस लाइट इन ना लिविंग ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा की प्रेजेंस है एग्जांपल टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया ठीक है एग्जांपल क्या है टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया समझ में आ गई बात तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इनका माउथ होता है ओपनिंग चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लैटी की बात करेंगे अब

टिप्लोब्लास्टिक है मींस हेयर वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्माइनल लेयर यहां पे मुझे एक्टोडर्म ठीक है एंडोडर्म एंड आई हैव मीजो तो मुझे तीनों लेयर यहां पे दिख गई है मुझे यहां पे तीनों लेयर दिख गई है एक्टो एंडो मीजो बट यहां पे अभी तक मेरे पास क्या नहीं है सीलोम नहीं है ये ट्रिपलो ब्लास्टिक होने के बावजूद क्या है ट्रिप्लो ब्लास्टिक होने के बावजूद क्या है ट्रिप्लो ब्लास्टिक होने के बावजूद कैसे हैं बच्चे ये ए सीलोमेट्स है यहाँ पे सीलोम नहीं है ठीक है बच्चे स्क्रीन जो है वो अपने आप बड़ी और छोटी होती रहेगी ये ऑटोमेटिक है यूट्यूब का सिस्टम है ये एड वाला इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है ठीक है ये यूट अपने आप बड़ी और छोटी होती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है यार सब दिख रहा है ठीक है

अडेप्टेशन फॉर पैरासाइट फ्लेम सेल्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट विच हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन याद रखना फ्लेम सेल्स कहा होंगे फ्लेम सेल्स कहा होंगे प्लेटी में हार्मोफ्रोडाइट होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा मेनी लार्वल स्टेजेस है प्लेनेरिया कैन रीजनरेट प्लेनेरिया सबको बताया तुमको फेसियलो हाइपेटिकल, लिवर फ्लू इसको बोलते हैं सोलियम इसके अंदर इससे टीनियसोलियम बीमारी बीमारी होती है समझ गए बात को ठीक है चले वेरी गुड बच्चे दीक्षा श्रुति वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलो आगे चलते हैं चलिए है। फाइल मेस्केलेम की बात करेंगे तो मेल और फीमेल का डायग्राम नीट के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है नीट के अंदर ये डायग्राम इतनी बार पूछा हुआ है कि बता ही नहीं सकते ठीक है मेल और फीमेल और ठीक है का स्ट्रक्चर जो मेल होता है उसका शार्पली घुमा हुआ, हुआ होता है फीमेल का एंड में बॉडी जो है वो राउंडेड नहीं होती ये बेसिक फीचर है जो तुमको याद करना जरूरी है ये डायग्राम बिल्कुल बच्चे पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी और पीडीएफ कहाँ मिलेगी पीडीएफ के लिए तुमको ई करियर पॉइंट ऐप जाना पड़ेगा लेक्चर के बाद पीडीएफ पक्का से मिलेगी भावना शर्मा आप अभी से डॉक्टर हो चुके हैं ठीक है आगे चलते हैं और बात करते हैं राउंड बॉडी होगी इसीलिए इसको राउंड बोलते हैं क्रॉस सेक्शन बायोलेट्रल सिमेट्री यहां पे आ चुकी है ठीक है ट्रिप्लो प्लास्टिक है मतलब जो सीलोम है वो पैचिस में प्रेजेंट है ठीक है ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे आ चुका है ठीक है सिर्फ ऑर्गन ग्रेड सिर्फ इसमें दिखा मतलब हमको ऑर्गन ग्रेड पे दिखा सिर्फ हमको में दिखा बस ठीक है यहाँ पे और फेरिंग्स कैसा है मस्क्यूलर है डायोशियस होते हैं फीमेल आर लॉन्गर देन मेल तुम देख सकते हो फीमेल आर लॉन्गर देन मेल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एग्जाम्पल एसकेरियस

आ, फुट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बिल्कुल शुभम रोहन पटेल ठीक है प्रेरणा सैम विनय करणवीर पायल ओशी का उपाध्याय ओशी का उपाध्याय आफ्टर लॉन्ग टाइम आजकल क्लासेस नहीं कुछ भी नहीं बच्चे ऐसे स्किप नहीं करना है हमको ठीक है बिल्कुल अमन राज सेवन स्केल सूरज अवनी भावना आयुषी पांडे वेरी गुड बच्चे बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है साक्षी जरा और अभी तक बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल एलिफेंट एस बिल्कुल सही आंसर है श्रुति बिल्कुल ठीक है चलिए देखो बच्चे हाँ निधि एंड जो बच्चे लार्वा की बात कर रहे हैं बच्चे लार्वा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इस टाइम में अब क्या है कि आपको अब इधर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है जो लार्वा के नेम जो जो लार्वा इम्पोर्टेंट होगा वे तो वो मैं जरूर से बताऊंगा तुमको ठीक है लेकिन अभी हम इधर उधर ना भटके जो मेजर चीज़ है उसके ऊपर फोकस रखो ठीक है लार्वा क्या है अब हम जब हम सब कुछ पढ़ लिए तो हम लार्वा पढ़ लें तो ठीक है वरना लार्वा जैसी चीज है एनसीआर टी में नाम तो है नहीं ठीक है एनसीआर टी में नहीं है तो वो उसके प्रति भटकने की जरूरत नहीं है वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है लार्वा पूछने बंद हो गए हैं अब ठीक है इसलिए तय घबराओ मत उसके लिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं ठीक है एनसाइक्लोस्टोमा हुक् याद रखना एनसाइक्लोस्टोमा पूछा हुआ है नीट के अंदर फाइलम एनालिडा एनालिडा की बात करेंगे तो देखा सबसे बड़ा जो फीचर था वो क्या था बोध इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेटामराइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटामराइजेशन देखने को मिलता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेटामन देखने को मिलता है सिमेट्री है टिप्लो प्लास्टिक है सिलोमेट आ चुके हैं ठीक है ऑर्गन सिस्टम होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है बोथ and पहली बार लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हो रही है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रही है ठीक है प्रेजेंस ऑफ मसल्स यहाँ पे दिख चुकी है याद रखना इस बात को कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल है जो हेल्प कर रही है लोकोमोशन के अंदर नरिस ठीक an है एनिमल है ठीक है

डबल नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो लेटरल नम्बर लेटरल नम्बर जैसे कि साइड के अंदर जो बॉडी की जा रही है ये एक सिंगल नर्व जा रही है उससे ज्यादा साइड में जा रही है बिल्कुल जरा मतलब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है एग्जाम्पल पेरेटीना अर्थवॉर्म है ब्लड लीच है, है तो ज्यादा इस फाइलम के अंदर कुछ बहुत ज्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है बेसिक फीचर्स हम याद करेंगे तो भी चलेगा ठीक है या टिल नाउ दर इज नॉ वी हैव नॉट टच फाइव हंड्रेड लाइक्स ये बहुत गलत बात है ठीक है सिबिलिटी टू मेक दिस सेशन ग्रेड इस सेशन को ग्रेड बनाने की तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे बिल्कुल चलिए तो लाइक जरूर से करते रहन को चलो आगे चलते हैं फाइलम आर्थ्रपोडा की बात करेंगे जो लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है लार्जेस्ट फाइलम है ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है यह बात हमेशा ध्यान रखना है ट्रिपलोप्लास्टिकेशन organ है बॉडी है कवर्ड काइटिनस एंडोस्केलेटन है ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट इज मतलब होता है लेग आर्थ्रो मतलब होता है और पूरा मतलब होता है लेग्स ठीक है याद रखना ये बात

ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटोसिस्ट ये नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है स्टेटोसिस्ट क्या है नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है स्टेटोसिस्ट क्या है नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ठीक है आइज आर सिंपल और कंपाउंड आइज कैसी है सिंपल और कंपाउंड है ठीक है मालफिगन ट्रिब्यूल है मोस्टली डायोशियस पेरस होते हैं ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज बॉम्बेक्स जो कि सिल्क है एपिस हनी भी होते होते हैं हैं वेक्टर वेक्टर फॉर बहुत सारी डिजीज के लिए वेक्टर होते लिए एनाफिलस किसके होती है मलेरिया एडीज मॉस्किटो किसके लिए होता है डेंगू तो बहुत सारी डिजीज के लिए ये क्या हो सकते हैं क्या होते हैं ये वेक्टर होते हैं लिम्बुलस यानी किंग कि समझ रहे हो बच्चों समझ में आ रही है सबको बात कितना है कितना सब कुछ है इस फाइलम के अंदर समझने के लिए

ठीक है तो ये सब चीजें इसके अंदर बिल्कुल से है तो सबको ये चीजें याद रखनी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फाइलम मोलस्का के ऊपर आएंगे मोलस्का बहुत सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का क्या है द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है मोलस्का है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है मोलस्का होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बच्चे मोलस्का है आर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बाइोलेट्रल सिमेट्री है ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट बाकी सब कैरेक्टर से से सेम चलने वाली है कैलकेरियस शेल होगा इसके अंदर कैल्शियम का बना हुआ कौन सा शेल होगा कैलकेरियस शेल होगा कैल्शियम का बना हुआ कैलकेरियस शेल होगा डिस्टिंग हेड होगा मस्कुलर फूट होता है विस्ल हम्प प्रेजेंट होता है रेस्पाइरेटरी और एक्सकेटरी फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाई फेदर लाइक -like गिल्स पैदल लाइक गिल्स किस प्रेजेंट हो, प्रेजेंट होती है मोलस्का के अंदर रेड्यूला एक ऑर्गेनिज्म मिलता है ये देखो यहाँ पे देखो तुम लोग इसकी बॉडी को तो समझने की जरूरत है ये मस्कुलर फूट हो गया यहाँ पे ये नर्व कॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड चल रही है ठीक तो है एकदम डाउन साइड में माउथ है यहाँ पे माउथ के अंदर ये रेड्यूला है रेड्यूला क्या है बच्चे माउथ के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर टीथ जो काम करते हैं ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड का यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड कौन कर रहा है रेड्यूला कर रहा है ब्रेक डाउन और फिर हम बोले रेस्पिंग ऑफ फूड ठीक है तो कौन करता है रेड्यूला करता है हार्ट देख सकते हो सीलोम देख सकते हो और बोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मेंटल ये मेंटल जो है बच्चे सीक्रेट करता है कैल्शियम के, केल, कार्बोनेट का जो शेल है वो और मेंटल कैविटी के अंदर सारे ऑर्गन सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? फिर मेंटल जो सीक्रेट करता है वो क्या सीक्रेट करता है शेल समझ में आ गई बात तो सारे ऑर्गन कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ठीक है दे आर डायोशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल पीलिया एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस डेविल फिश को बोलते हैं जिसके अंदर एट आर्म्स होती है लोलीगो स्प्रेड होता है सीपिया कटल फिश होती है पिना काटा क्या होता है पर्ल ऑयस्टर होते हैं तो ये सब चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंटल्स याद रखना मेंटल से एक शेल की फॉर्मेशन होती है मेंटल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सारे कहां पे होते हैं मेंटल कैविटी में होते हैं ठीक है बिल्कुल राजेश्वरी ख्याति ओके okay, पायल पायल कॉसिक बिल्कुल इंस्टीट ऑफ टीथ दे हैव है ठीक है विच हेल्प इन रेस्पिंग ऑफ फूड विच हेल्प इन रेस्पिंग ऑफ फूड समझ में आ गई बात हेल्प इन ऑफ फूड चलिए आगे बढ़ते हैं की बात करेंगे हम एक्काइनो डरमेटा ठीक है एकाइनो डरमेटा स्टार फिश जो कि हमने देखा है इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है होती है बच्चे वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस याद रखना कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेडियली सिमेट्री होते हैं लार्वा बायलेटरल सिमेट्री होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट है एंडोस्केल्टन कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डोर्सल साइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिस्टम क्या है Characteristic feature है कि, कितनी चीजों में मदद कर रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है लोकोमोशन में मदद कर रहा है मूवमेंट में मदद कर रहा है मोनोशियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल है एस्टेरियस स्टार फेस ऑफ यानी सी अर्चिन ये सब किसके है yes, का किस एग्जाम्पल है, है. याद रखेंगे सब बच्चे चलिए बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा है बहुत ही सिंपल है प्रेजेंस ऑफ स्मो स्टोमोकोड इसको फॉल्स नोटोकोड भी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं फॉल्स भी इसको बोलते हैं ठीक है यह बात याद रखना सिमिलर तो टू इसलिए होती है कि लेकिन इसका जो ओरिजन है वो डिफरेंट होता है मीजो डॉर्मल ओरिजन नहीं होता है इसका एंडोडर्मल होता है शायद पर मिजोडर्मल नहीं होता है इतनी बात हमको याद रखनी है बायोलेट्रल सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिपलो होते हैं सिलोमेट होते हैं ऑर्गन सिस्टम होता है बॉडी है कॉलर प्रोबोसिस याद रखना ठीक है गिल्स होते हैं सर्कुलेशन ओपन टाइप है और इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल दो ही है, closer, closer, तो इसको को है इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है बिल्कुल रोहन के अंदर लार्वा के अंदर बायोलेटल होती है और इसके बाद बच्चे हम बस ये खत्म होने वाला है ठीक है आदित्य इसके बाद ये खत्म होने वाला है देन वी विल हैव एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू जो ये बहुत ज्यादा तुम लोगों को दिक्कत होती है वो हम लेने वाले हैं इसके बाद जल्दी जल्दी ठीक है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस देख लीजिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा ये तो बेसिक फीचर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉर्सल होलो एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है बच्चे डॉर्सल होलो एंड सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है डॉर्सल होलो एंड सिंगल किसके अंदर कॉर्डेट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा डॉर्सल होलो होगा सिंगल होगा यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड और डबल होगा यहां पे क्या होगा वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होगा ठीक है यहां पे क्या होगा वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होगा वहां पे कैसा है वहां पे कैसा है सॉलिड है और डबल है यहां पे क्या है होलो है और सिंगल है समझ में गई बात तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड अमन अगर ये याद है कि टेबल सबको याद होनी चाहिए गिल स्ल एबसेंट होंगे नॉन कॉर्डेट्स में यहां पे प्रेजेंट होंगे हार्ट यहाँ पे वेंटल होगा हमारा हार्ट क्या है साइड साइड पे दिस इज ठीक है अगर तुमको वेंटल और डॉरसल में कंफ्यूजन होता है तो सीधी सी बात है कि ये वेंटल साइड है हमारा ठीक है और ये पीछे वाला साइड क्या है डॉरसल साइड है समझ गए बात को तो वेंटल और डॉरसल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपसे से वेंटल और डॉरसल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है पोस्ट एनल टेल यहां प्रेजेंट है पोस्ट एनल टेल यहां पे एबसेंट होती है ठीक है बात समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं फाइल हम कॉडेटा की बात कर लेते हैं कॉड डेटा के अंदर देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करी हमने होलो नव कोड है नोटोकॉड है, है वो सारे फीचर हमने देख लिए हैं इसके जो सब फाइलम है वो होते है यूरो, यूरो मतलब होता है टेल ठीक है नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल कहां पे होती है लार्वा की टेल में होती है एंड डोलीलियम ये वाला पोर्शन नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बच्चों तो इसके एग्जाम्पल भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सिफेलो कॉर्डेट यानी सिफेलो मतलब होता है हेड यूरो मतलब तो होता है टेल यूरो मतलब होता है टेल और सिफेलो मतलब होता है हेड ठीक है याद रखना ये ब्रेंकियोस्टोमा उट फ्रॉम हेड टू टैल फ्रॉम टू टैल ऐसी नोटोकॉर्ड किससे किसको रिप्लेस किससे रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से बाद में रिप्लेस हो जाती है की बात करेंगे ए नेता यानी कि विदाउट जोज ठीक है साइक्लोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है क्या है इसके एग्जाम्पल है एम फीबीआर रेप्टाइल्स एंड मेमल्स क्या है इसके एग्जाम्पल है बच्चों तो ये बात बहुत जरूर से याद रखनी है हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात याद रखनी ठीक है जल्दी से जल्दी से इसको रिवाइज कर लो फिर हम देखने वाले हैं आगे चलने वाले हैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तुमको इस टेबल को देख लो एक बार चलिए देख सब बच्चों ने ये टेबल जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है तो डालते हैं एंडोस्केलेटन प्राइमरी कंपोज ऑफ कार्टिलेज है यहाँ पे बोन का है ओपरकुलम यानी कि गिल्स की कवरिंग गिल्स की कवरिंग यहाँ पे किसके अंदर प्रेजेंट है कार्टिलेज फेसिस के अंदर ओपरकुलम है यहाँ पे ओपरकुलम नहीं है टेल क्या है नेचर है यहाँ पे होमो तो ये पूरी टेबल हमको याद करनी है प्राइमरी हैबिटेट मरीन मरीन इकोसिस्टम में है मरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिल जाते हैं पर मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यहाँ पे एक्सटर्नल होता है स्विम होता है स्विमिंग के लिए बायोसी इज में ऑयल स्टोर तो लेवर्स उनको स्विम करना पड़ता है स्विम ब्लैडर नहीं होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है बायोसी इनके अंदर मेंटेन होती है एग्जाम्पल ग्रेट व्हाइट शार्क वेल एंड एवरी अदर स्पीसीज ऑफ शार्किस इसके अंदर मराइन और फ्रेश वाटर वाली भी चीजें तुमको याद करनी ही पड़ेगी बिल्कुल आकाश कुमार जी इसका पी मिलेगा सब बच्चों को ऐप के अंदर इसका पी मिल जाएगा ठीक है ऑल यू हैव टू डू इ लाइक शेयर एंड कमेंट बच्चे ठीक है सब कुछ मिलेगा इसका पी ये बनाए इसीलिए ताकि तुमको दे सके ठीक है ये मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि तुम्हारे काम आ सके हमारे काम तो क्या है ठीक है हमारे लिए थोड़ी बन रहा है ये सब चीजें तुम्हारे लिए बन रहा है ठीक है ऑल यू हैव टू डू इज टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन ठीक है तो बस तुमको सिर्फ लाइक और शेयर करना है और कुछ नहीं करना है चलेंगे आगे और बाकी सब तुमको मिलेगा बेटा ऐप पे जाना ई ऐप डाउनलोड कर लो लेक्चर के बाद दो तीन आवर के अंदर मैं इसको पर्सनली जाके अपडेट करा दूंगा वहां पे ठीक है आई विल पर्सनली गो एंड इट विद योर फॉर यू गाइज ठीक है ठीक है तो तुम मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा तुम मेरे लिए जस्ट इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए वो बहुत हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं ठीक है ये एम्फीबियन की क्लासेस थी देख लेते हैं सब कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे एम्फीबियन से ठीक है एम्फीबियन से बात करेंगे हम बिल्कुल 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 ओके गौतम

रेप्टीलिया के अंदर लिम्स एपसेट हो सकते हैं टेट्रापोडा के अंदर होने के बावजूद भी क्योंकि रेप्टाइल में लिम्ब भी नहीं होते फिर भी ये टेट्रापोडा में आ रहा है देख लो कितनी अच्छी बात है कितनी एस्टॉनिश बात है कि फिर भी ये आ रहा है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है ये इसका बेसिक फीचर है कॉर्निफाइड स्किन रेस्पिरेशन लंग से होता है थ्री चेम्बर पोइक्योथर्मिक होते हैं मतलब पोइक्योथर्मिक मतलब अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वैसा ही खुद का टेम्परेचर हो रहा है बच्चे मैं तुमको 500 हंड्रेड लाइक्स करने की जॉब दे रहा हूँ अगले चैप्टर चालू होने से पहले पहले ठीक है इस इस लेक्चर में हमको दो से तीन हजार लाइक्स चाहिए इसके ऊपर ठीक है जल्दी से लाइक्स करते रहो यार बढ़ाते रहो लाइक्स को मतलब लाइक्स रुकनी नहीं चाहिए यार ठीक है ओवी पेरस होगा ये भी ओवीपेरस है ये भी ओविपेरस है यहाँ पे वीवी पेरस और प्लेटिपस जो की ओवीपेरस देखने को मिलेगा सेक्सेस सेपरेटेड है सबके अंदर फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट है डायरेक्ट यानी कि लार्वा प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट है डायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी कि लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ठीक है तो इस बात को याद रखेंगे कि हार्ट कैसा होता है क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड होता है बाकी के अंदर थ्री चैम्बर्ड होता है ये एग्जाम मतलब एक एक्सेप्शन है इसका ठीक है नाजा एंड वाइपर ये है बर्ड्स क्रोपिजन याद रखना है तुमको बर्ड्स के बाद फोर चैम्बर वॉर्म ब्लडेड यहाँ पे क्या हो गए होम्योथर्मल ये दोनों क्या होते हैं होम्योथर्मल होते हैं विद फोर चैम्बर्ड हार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है यहाँ पे जो स्किन है वो फैदर्स के फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे बोन्स कैसी होती है न्यूमेटिक बोन्स न्यूमेटिक का मतलब होता है होलो बोन्स ये क्या है एक फ्लाइट अडेप्टेशन है ये क्या है एक फ्लाइट एडेप्टन है

मार्सुपियस के अंदर आते हैं समझ गए है? तो ओवी पेरस ओव वीवी पैरस ओवी पेरस क्या होते हैं जो इमेच्योर बेबीज को जन्म देते हैं जैसे कि जैसे कि मार्सोपियल कंगारू कंगारू में देखा होगा तुमने तो यहाँ पे एक पाउच होता है तो वो पाउच से स्नैक्स रखने के लिए नहीं होता कि कोल्ड ड्रिंक कुर रख ली हमने कुरकुरे रख ली और फिर टीवी देख रहे नहीं वो वहां पे इसलिए है ताकि दे पुट देयर बेबीज दे इंटू इन दैट पाउच एंड दे कैन विच कैन हेल्प इन मेच्योरेशन बिकॉज वहाँ के उनके जो बेबीज है वो इमेच्योर पैदा होते हैं एंड आफ्टर द मैचुरेशन दूसरा गेस्टेशन पीरियड है जो मेच्य है वो उस पाउच में होता है जिसको पाउच बोलते हैं जो वैली पे होता है उनकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है समझ गए बात को तो चलिए लाइक एंड शेयर बच्चे लाइक एंड शेयर चलो आगे बढ़ते हैं नया चैप्टर आ गया है पर लाइक्स अभी तक फाइव हंड्रेड नहीं हुए हैं क्यों गलत बात वेरी बैड ठीक है इज नेक्स्ट चैप्टर अभी हमारा नया चैप्टर आ चुका है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करने वाले हैं बच्चे बिल्कुल आग लगा देनी है हमको लाइक वाला बटन दबा दबा के आग लगा देनी है बिल्कुल से बिल्कुल श्रुति विनय थैंक यू बच्चे चलो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो देखो सेल का स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर में चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके फंक्शन अलग है ठीक है जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर न्यूरल सेल है बड़ा होगा कंडक्शन के लिए बना है मसल फाइबर होते हैं बड़े होते हैं रस्सी जैसे कॉन्ट्रेक्शन के लिए बने हैं अब तुमने देखा होगा तुम किसी चीज को खींचते हो पुली लगा के तो तुम रस्सी क्या होती है लंबी होती है ठीक है मोटी कम होती है लंबी ज्यादा होती है ठीक है ताकि हम जो तो खींच सके तो मसल फाइबर्स भी क्या होंगे लंबे ज्यादा होते हैं बिकॉज दे हैव टू डू अब मुझे इसको यहां से उठाना है तो यहाँ पे हमारे क्या है मसल जो है कॉन्ट्रेक्ट हो गई तभी तो ऊपर उठ रही है अगर मेरे सिग्नल जाएंगे न्यूरल के अंदर तो न्यूरल क्या होंगे इलांगेटेड होंगे तभी तो जाएंगे समझ गए बात को तो इस तरीके से बातें चलने वाली है तो जो साइज है जो शेप एंड साइज ऑफ टिश्यू

बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ बच्चे बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ चिंता मत करो मैं खुद इंश्योर करूंगा वरना तुम मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आके मुझे बोलना किसान नहीं मिल रहा ठीक है बिल्कुल से मिलेगा ठीक है देर फॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू द फोर टाइप्स देखो चार में होता है एपिथीलियल टिश्यू जो सबसे बाहर प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू ठीक है मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू ये चार तरीके के सेल हम पढ़ने वाले हैं

ये ओरिजन देखना ओरिजन कितना इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल सेल का ओरिजन एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म कहीं से भी हो रहा है कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म कहीं से भी किसी का भी ओरिजन हो रहा है किसका एपिथेलियल टिश्यू का क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू क्या है लाइन करते हैं अगर वो इंटरनल ऑर्गन को लाइन कर रहे हैं तो उसका ओरिजन डिफरेंट हो जाएगा अगर वो एक्सटर्नल बॉडी को लाइन कर रहे हैं तो उसका ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगा समझ रहे हो बात को तो जो चीजें लाइन कर रहे हैं ठीक है पीडीएफ ई करियर पॉइंट ऐप पे मिलेगी तुमको ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ठीक है आगे जाएंगे हम फिर देखेंगे मीजोडम से किसका ओरिजन है मस्कुलर टिश्यू एम से एम का ओरिजन है यह बात ध्यान रखना एम से एम का ओरिजन है सी एम 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 एन ई ठीक है सी एम 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 एन ई करके तुम याद कर लो इसको याद हो जाएगा सी एम 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 तो फिर तो बचा क्या एक्टोडर्म बचा कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मीजोडम से आ रहे हैं

एपिथिलियन टिश्यू की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी द सेल्स आर कम्प्लीटली पैक्ड एंड विद अ सेल और मैट्रिक्स मेट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है जो स्पेस होता है बीच के अंदर दो सेल के बीच के अंदर उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं पर यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत कम होगा आर टू टाइप ऑफ टिश्यू नेमली सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम ठीक है कौन से होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड होते हैं सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज़ ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ फॉर बॉडी डग एंड ट्यूब समझ आगे बात सिंपल और कंपाउंड दो तरीके के होंगे ठीक है द दम्पाउंड एपिथिलियम टू और मोर सिंपल के अंदर क्या होगी सिंगल लेयर होगी जो किसको लाइन करेगी और कंपाउंड के अंदर क्या होगी ठीक है दो एक से ज्यादा लेयर होगी जो प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है ठीक है एज इट डज इन डर स्किन एज इट डज इन डर स्किन जो की स्किन के अंदर देखने को मिल रहा है जो की स्किन के अंदर देखने को मिल रहा है समझ गए बात को कहा मिल रहा है देखने को स्किन के अंदर देखने को मिल रहा है ठीक है तो इस तरीके से चीजें चलने वाली है आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं एपिथीलियम कॉलमनर अलग अलग शेप पे अलग अलग स्ट्रक्चर से देख सकते हो ठीक है फ्लैट एंड होते हैं क्यूब लाइक होते हैं कॉलमनर लाइक होते हैं विथ फ्लैजिलेटेड होते हैं ठीक है समझ में आगे बात ठीक है माइक्रोविलाई हो सकती है इसके अंदर सब हो सकता है ऑब्जॉर्बन के लिए है तो माइक्रोविलस जाएंगे ठीक है समझ गए तो चलो आगे सिंगल थेट एंड सेल विद इेगुलर बाउंड्रीज विगुलर बाउंड्रीज ठीक है दे मिलेगी? Blood vessels के मिलेगी. के अंदर वहां पे क्या मिलना चाहिए हमको स्क्वास एपीथिलियम मिलना चाहिए जहां पे भी मटेरियल का एक्सचेंज होगा वहां पे क्या मिलना चाहिए, चाहिए? स्क्वायस एपिथिलियम मिलता है मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर क्या है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल ठीक है सबने आगे बात फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज क्या बनाती है ये इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्रीज ठीक है क्योंकि थिन है आसानी से चीजें इधर उधर हो जाती है आसानी से चीजें इधर उधर हो जाती है यहाँ पे द क्यूबेडल एपिथिलियम इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अंगल लेक सेल हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है

पे होता है एपिथीलियम और प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल ठीक है पीसीटी के अंदर होते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोविलाई होती है उनके ऊपर चलो आगे की बात करेंगे कॉलमनर एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स देयर न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस कहां पे होती है बेस के अंदर होती है न्यूक्लियर कहाँ पे होती है बेस के अंदर होती है फ्री सरफेस में भी माइक्रोविलाय दे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन बिकॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे रिक्वायर्ड है तो so, कहाँ पे है इंटेस्टाइन और स्टमक में इसीलिए क्या होते हैं इसलिए क्या होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल कहाँ पे प्रेजेंट है इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट है विद माइक्रोविलाय समझ में आ गई बात एंड हेल्प इन द सीक्रेशन अब्सॉर्प्शन कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फॉर तो और क्या बोलते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम बोलते हैं देर फंक्शन इज टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम क्या होता है इन सीलिया का फंक्शन टू मूव द टू मूव द फूड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन सीलिया का फंक्शन क्या होता है टू मूव द फूड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन समझ में आ गई बात दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल फेलोपियन ट्यूब और कहां पे होता है सीलिएटेड एपीथिलियम सीलिएटेड एपिथिलियम कहां देखने को मिल जाता है organ. बच्चे जो organ है जो सॉलिड नहीं है जैसे कि सॉलिड क्या है जैसे कि हमारी बोन कार्टिलेज क्या है एक तरीके सॉलिड होते हैं ठीक है पर जो हॉलो ऑर्गन होते हैं जैसे कि फेलोपियन ट्यूब उसके अंदर ओवम जाता है तो वहां पे क्या होता है सीलेटेड एपिथिलियम होता है ठीक है हमारे ब्रोंकियोल्स ठीक है ब्रोंकाइज वहां पे क्या होता है सीलिएटेड एपिथिलियम होता है समझ गए बात को ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं सम ऑफ द कॉलमनर ऑफ क्यूबल सेल गेट्सलाइज फॉर द सिक्रीशन एंड लार्ज ग्लैंडर एपिथीनियम कुछ क्या हो जाते हैं कुछ सिक्रीशन के लिए बन जाते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह तुमने देखे होंगे वो क्या हो जाते हैं तो सिक्रीशन के लिए कुछ सब्सटें सिक्रीशन के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं ठीक है यूनिसेल ग्लैंड उनके अंदर बन जाते हैं या मल्टी ग्लैंड भी उनके अंदर बन जाते हैं आर मेनली टू टाइप कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स क्या है एग्जाम्पल किसका है यूनिसेलर याद रखेंगे गॉबलेट सेल्स गॉबलेट सेल्स किसका एग्जाम्पल है ये डाइजेशन वाले चैप्टर में भी आएगा यूनसेलुलर ग्लैंड का किसका एग्जाम्पल है यूनिसेलर याद रख लो यहां से ये किसका एग्जाम्पल है यूनिसेलोर का एग्जाम्पल है एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और मल्टी सेलोअर क्लस्टर्ड यानी कि सराइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है मल्टी सेल्वर एग्जाम्पल है ठीक है जो उनका मोड ऑफ सिक्रीशन है कि वो कहां पे अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं ठीक है वो कहां पे अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं उसके हिसाब से भी क्या हो जाते हैं दो तरीके से हो जाते हैं ठीक है डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरीज नेमली एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ठीक ठीक है ग्लैंड द म्यूकस सलाइवा है ऑयल डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड अदर सेल प्रोडक्ट ठीक है मतलब डक्ट के थ्रू मतलब तो डक्ट के थ्रू वो अपना सिक्रीशन कर रहे हैं जो डक्टलेस है वो क्या होते, है? होते हैं एंडोक्राइन होते हैं ठीक है डक्ट ठीक है Endocrine glands क्या करते हैं डू नॉट है के अंदर मतलब endocrine मतलब और पैनक्रियाज हमारा ऐसा ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं मीजोक्राइन बोलते हैं उसके अंदर दोनों होता है वो दोनों तरीके से सिक्रेट कर सकता है उसके बाद डक्ट भी होती है और वो इंसुलिन जैसे हार्मोन एंडोक्राइन भी सिक्रेट कर सकता है समझ गए? कॉल्ड हार्मोन्स एंड सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बैटलिंग द ग्लैंड कंपाउंड एपिथिलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी होता है कंपाउंड एपिथिलियम एंड लिमिटेड टू द रोल एंड बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात तो चले हम आगे गॉबलेट सेल याद करना है जो कि क्या है यूनिसेलर है ठीक है और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होती है पैनक्रियाज ऐसा एग्जांपल है जो क्या है जो क्या है बो ड और बिना डट के दोनों के साथ सिकेट कर सकता है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगर साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं चलिए बिल्कुल प्रेरणा बिल्कुल सही बात है बच्चे नेहा बिल्कुल चलिए आप ठीक है आवाज़ साउंड में प्रॉब्लम नहीं है आप चलो ओके okay, तो हम थोड़ी सुपर फास्ट स्पीड में चल रहे हैं ना रिवीजन मैराथन क्लास में मैं भाग रहा हूँ तुम लोग तो भाग नहीं रहे तुम लोग लान ला, लाइक्स को भगा रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइक भगाओ यार लाइक को भगाओ फटाफट 500 लाइक्स बढ़ा दो जल्दी से चलिए चलिए ओके

तो ये क्या करते हैं ये लिंक्स बनाते हैं और किस मदद करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एक सेल से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो कैसे करते हैं इन जंक्शन से करते हैं ये जंक्शन टाइट जंक्शन हो सकते हैं अडेयरिंग जंक्शन हो सकते हैं गैप जंक्शन हो सकते हैं ठीक है टाइट जंक्शन लीकिंग मदद कर सकते हैं और अडेयरिंग जंक्शन सीमेंटिंग कीप नेबरिंग सेल्स की मदद कर सकते हैं फैसिलिटेट फैसिलिटेड सेलिटेट कम्युनिकेट विद ईच अदर कनेक्टिंग यानी गैप जंक्शन समझ में आगे बात आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है आगे बढ़े कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे द मोस्ट अबेंडेंट मोस्ट अबेंडेंट अगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा है तो कौन है कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो मोस्ट अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल है वो कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट अबेंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू है समझ में आ गया अंदर आगे बात दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ठीक है बात समझ में आ गई इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड कार्टिलेज बोन एंड एडिपोज एंड द ब्लड ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज वॉट ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड क्या है ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है समझ गए ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड देखो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है पर ब्लड के अलावा सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं कॉलेज या फिर इलास्टिन फाइबर होते हैं ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं बाकी सब में फाइबर्स होंगे समझिए अंदर अगली बात ठीक है द फाइबर्स प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इलास्ट्रिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू फाइबर क्यों होते हैं कॉलेजर और इलास्टिन फाइबर क्या करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रोवाइड कराने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं क्या प्रोवाइड कराने, है? कराने के लिए होते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं These cells also modified ये क्या करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैक्राइड्स को भी सिक्रिएट करते हैं क्या करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैक्राइड को सिक्रेट करते हैं इनके अंदर सबसे मेट्रिक्स होता है ठीक है ठीके? अब क्या है कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशन टिश्यू है ठीक है जो मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स और फाइबर है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं बिल्कुल रोहन बिल्कुल पायल बिल्कुल बच्चे ठीक है ओके ठीक है एग्जांपल हो गया इसका एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट बिनीत द स्किन एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू किसके नीचे प्रेजेंट है स्किन के नीचे प्रेजेंट है कौन सा एरियोलर एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन चले आगे ये एग्जाम्पल है याद रखना तुम लोग फैट स्टोरेज एरिया न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनसीआरटी का एग्जाम्पल है मैक्रोफेजेस कोलेजन फाइबर मास्ट सेल एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू और एडिपोस कनेक्टेड टिश्यू एडिपोस कनेक्टेड टिश्यू क्या कर रहे हैं फैट स्टोरेज में मदद कर रहे हैं एडिपोज तुमने कई बार नाम सुना होगा यार एडिपोस का नाम स्पेसिफिकली जहां पे लिया जाता है यहां पे फैट स्टोरेज की बात करते हैं हम फैट के स्टोरेज की बात करते हैं

फाइबर कॉम्पैक्टली पेस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर जो कि सपोर्ट के लिए बनते हैं आगे बात करेंगे जो कि रोस में प्रेजेंट होते हैं टेंडन टेंडन बहुत जरूरी है विच अटैच द स्केरटल मसल टू द बोन एंड लिगामेंट विच अचे अटैच वन बोन टू अनादर बोन ठीक है मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है टेंडन और बोन से बोन को अटैच uh, कर रहा है लिगामेंट ठीक है स्केलेटल मसल को बोन से कौन अटैच कर रहा है टेंडन और बोन को बोन से कौन अटैच कर रहा है लिगामेंट समझ में अंदर आगे बात समझ रहे हो बात तो यार फाइव हंड्रेड लाइक्स क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक फटाफट से फाइव हंड्रेड लाइक्स हो जाने चाहिए बिल्कुल रितिका बिल्कुल वेरी गुड बच्चे वेरी वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली ठीक है ये डेंस कनेक्टेड टिश्यू के हैं डेंस रेगुलर डेंस इनरेगुलर ठीक है वो अरेंजमेंट के ऊपर है रेगुलर और इेगुलर आगे बात करेंगे डेस्ट टिश्यू इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज स्पेशाइज टिश्यू है कनेक्टेड टिश्यू है कार्टिलेज और बोन की बात कर रहे हैं हम ठीक है कार्टिलेज बोन आरबीसी प्लेटलेट ये ब्लड वाले सेल समझ से, समझे अंदर आगे बात ठीक है कार्टिलेज क्या हो जाता है बेंडेबल हो जाता है कार्टिलेज क्या हो जाता है बेंडेबल हो जाता है ठीक है बोन बेंडेबल नहीं होती बोन प्लाएबल नहीं होती है ठीक है ये रजिस्ट कर जाता है कंप्रेशन को ऊपर बोन नहीं कर पाती है ठीक है कॉन्डियोसाइड आर द एंक्लोज स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक सिक्रेटेड बाय दैम कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर मैट्रिक सीक्रेट करती है ब्लड के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड का कंपोजिशन जानना हमारे लिए ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड ठीक है ब्लड प्लेटलेट्स है प्लाज्मा है ठीक है रिथ्रोसाइट्स है ल्यूकोसाइट्स है ग्रेन्यूलोसाइट्स है देखो ब्लड जो है वो डिवाइडेड है किस किसके तीन पार्ट में ब्लड सेल्स के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर प्लाज्मा के अंदर फिर ब्लड सेल दो पार्ट में डिवाइड है आरबीसी और डब्ल्यू बी और ल्यूकोसाइड्स के अंदर फिर ल्यूकोसाइड दो पार्ट में डिवाइडेड है ग्रेन्युलोसाइड्स एंड एग्रेनुलड्स ठीक है अब ग्रेनुलोसाइड तीन पार्ट में है न्यूट्रोफिल्स इोसिनोफिलस एंड बेसोफिलसिनोफिलस तुमको पता है एलर्जिक रिएक्शन में काम आने वाली चीज है एग्रेनोसाइड्स मोनोसाइड्स लिंफोसाइड ये बड़े सेल्स होते हैं ये दीज आर द लार्ज सेल्स दीज आर द लार्ज सेल्स ठीक है समझ में आ गई बात देन वी हैव प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है द ब्लड विदाउट कॉर्पसल्स ठीक है जो वाटर और प्लाज्मा 90 परसेंट किससे बना होता है वाटर से बना हुआ होता है प्लाज्मा 90 परसेंट किससे बना हुआ होता है वाटर से बना हुआ होता है चले आगे मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन इन एडल्ट कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज है ईयर पिनना है ये सब क्या है कार्टिलेज का बना हुआ है ये सब किसका बना हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ है समझ के अंदर आगे बात आउटर ईयर जॉइंट्स बोन बोन वर्टिबल कॉलम के बीच में होते हैं तो ये सब चीजें होती है बोन्स हार्ड नॉन बोन्स क्या होती है नॉन प्लायल होती है ग्राउंड सब्सटेंस कैल्शियम सॉल्ट कॉलेजन फाइबर का होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इट हैज मेन टिश्यू टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी जो तो हमारी बॉडी का फ्रेम वर्क है वो किसके बना हुआ है वो किसका बना हुआ है वो बना हुआ है बोन का बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द टिश्यू एंड ऑर्गन द बोन सेल यानी कि आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूने लेक्यूने होता है बोन के स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होती है लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती है चीजें ध्यान रखना ये चीजें किस प्रेजेंट होती है लेक्यूने में प्रेजेंट होती है समझ गए बात को प्रेजेंट होती है लेक्यू आगे बढ़ते हैं अभी तक की सारी चीजें क्लियर है अभी तक की सारी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे चलिए लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं लिंब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग इनके अंदर क्या होते हैं बच्चे स्केलेटल मसल अटैच टू द मूवमेंट में तो मदद करते ही है बोन मेरो मेरो के अंदर क्या होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होता है आरबीसी जैसे डब्ल्यू बी सी जैसे सेल्स कहाँ बनते हैं बोन मेरो में बनते हैं देखो एक अगर मैं डायग्रामेटिकली हम बात करें तो जैसे कि अगर ये बोन है जैसे कि ये बोन है लॉन्ग बोन है तो इस लॉन्ग बोन के बीच में क्या होगा एक ब्लड मैरो होगा ये ब्लड मैरो करेगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करेगा यहाँ पे ये क्या है ये क्या है बोन मैरो है क्या है ये बोन मैरो है जहां क्या होता है जहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे होता है समझ के अंदर आगे वह लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है ये कहा होता है ये लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है ये कहा होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है ठीक है बनते इट इज अन सर्कुलटिंग फ्लूड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस समझ में आ रही है भाई बातें क्या कर रहे हो समझ रहे हो बातों को बिल्कुल निधि सन स्के नेहा कुमारी रोहन बहुत बढ़िया बच्चे कुछ बच्चे कॉन्स्टेंटली कमेंट कर रहे हैं बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं तो अगर तुमको डाउट है जैसे कि प्रेरणा अभिन ठीक है जिसने भी आपको भी कोई डाउट है वो जरूर से यहाँ पोस्ट कर देंगे बच्चे ठीक है समझ गए बात को हर लॉन्ग बोन में होगा बिल्कुल आदित्य चले आगे अगला बोल रहा है द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पूछा है बच्चे अब हमसे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पूछ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप क्या क्या होते हैं देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू बोन एंड कार्टिलेज क्या है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू क्या है ब्लड एंड लिम्फ है ठीक है लूज मेट्रिक एरियल एडिपो टिश्यू क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कौन से हैं जिसके अंदर मोर फाइबर देखो मुझे जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना ज्यादा डेंस हो जाएगा वो ठीक है अभी एक बच्चे ने पूछा था सर क्या डेंस का मतलब ये होता है कि ज्यादा कार्टिलेज होना ठीक है तो डेंस का मतलब बिल्कुल बच्चे यही हो रहा है ज्यादा फाइबर होना डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर हो जाएगा ठीक है जहां पर ज्यादा मैट्रिक्स होगी फाइबर कम होंगे उसको लूज बोलेंगे जहां पे मोर फाइबर होगी मैट्रिक्स कम होगी मैट्रिक्स क्या होती है स्पेस होता है बच्चे वो स्पेस अगर कम होगा और फाइबर ज्यादा होंगे तो वो डेंस हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं अगर तुमने इतना भी याद कर लिया तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में इतना भी याद कर लिया तो बच्चों तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में तुमको दिक्कत नहीं आने वाली फिर इतना भी याद कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में चलिए चाय पानी पीते रहना क्योंकि सेशन लंबा चलने वाला है ठीक है बेटा क्लास होने वाली है लंबी क्योंकि तो आज हम खत्म करने वाले जुलॉजी पूरा तो तुम लोग शांति से बैठो ये जो 19 बच्चों जिन्होंने डिसलाइक किया है वो क्या है बड़ा स्लो थोड़ा स्लो बड़ा रिविजन मैराथन क्लास वी हैव टू कम फर्स्ट ठीक है थोड़ा स्लो ही है बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं यार मैं तो मतलब मैंने तो इतना पढ़ाया है मतलब पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं तो अगर मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ रहा है इफ आई अगर मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी होती तो मैं स्लो पढ़ा देता ठीक है पर जब पूरा पढ़ाना होगा तो क्या करना होगा थोड़ा तेज चलना होगा और तुमको भी थोड़ा तेज पढ़ना होगा तो गेटअप हो जाओ यार ये जो डिसलाइक मत करो कम से कम लाइक तो कर दो डिसलाइक क्यों कर रहे इतनी मेहनत से हम चीजें कर रहे हैं जो बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं उनको मैं पीडीएफ ले दूंगा फिर ध्यान रखना चलिए चलिए जोक सा पार्ट आगे बढ़ते हैं मसल टिश्यू पे चलते हैं ठीक है एज मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेन्ज इन पैरल पैरल एरेज पे होती है मसल टिश्यू ऐसे प्रेजेंट होता है मसल टिश्यूज इस तरीके से ये क्या है पैरेलल एरेज में हो गए दिस फाइबर कंपोज ऑफ ऑफ न्यूमरस कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको माओफे बोलते हैं मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो जाते हैं इन रेस्पॉन्स दूमुलेशन जो उनको स्टिमुलेशन मिलती है उससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ठीक है ठीके? और उसी से क्या हो जाते हैं वो लंबड़े और छोटे होते रहते हैं समझ गए बात को इन रेस्पॉन्स द स्टिमुलेशन दीज रिलैक्स एंड रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रेक्टिंग स्टेज जिससे ही स्ट्यूमिलस मिलती है जैसे कि मुझे स्टूमिलस मिली बिल्कुल बॉटन का भी ऐसा ही होगा कल होगा बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बहुत बढ़िया चलिए स्केलेटल मसल बात करेंगे एक्शन की बात करेंगे तो एनवायरमेंट जो भी बाहर से मिलेगा पोजीशन मेंटेन करना है मसल सब कुछ करता है बच्चे तुम सबको पता है मसल बहुत इंपॉर्टेंट है मसल इज इन्वॉल्विंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पोजीशन की बात करूं मैं एन्वायरमेंट के सेंस की बात करूं मैं जो सेंसेस है वो मसल्स के थ्रू आते हैं ठीक है मसल तीन तरीके की होती है मेजरली स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स होती है तुमको तो पता है जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है हमारे विल के अंदर होती है वी कैन कंट्रोल द स्केलेटल मसल और जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ठीक है तो कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है और नहीं और कुछ नहीं होती है जिसको वॉलन्टरी बोलते हैं और जो नहीं होती है उनको इन बोलते हैं और कार्डियक मसल जो कभी नहीं थकने वाली मसल्स होती है जो कि हार्ट मसल्स होती है कार्डियक मसल कब कभी नहीं थकने वाली मसल जिसको हम क्या बोलते हैं द बाइसेप्स ठीक है, है? है स्ट्राइड जो तुम्हारे बाइसेप यानी बल्ले नॉर्मली हम बोलते बाइसेप्स डेटा नहीं कम पड़ेगा बच्चे क्यों डेटा कम पड़ेगा अब तो एग्जाम का टाइम है डेटा बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाला चिंता वाली कोई बात नहीं है थोड़ा लो क्वालिटी में चला लियो तो तुम लोग थ्री सिक्सटी पी पे चलाओ वीडियो को ठीक है तो तुम्हारा डेटा कम नहीं पड़ेगा इन टिपिकल मसल सच है शीत ऑफ रफ टफ कनेक्टिव टिश्यू सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर तो मसल की कहानी थी ये पूरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ठीक है पहली जो है वो स्केलेटल मसल है स्ट्रिएटेड है दूसरी जो है वो हमारी स्मूथ मसल है और तीसरी जो है हमारी कार्डियक मसल है समझ में आ गई बात यह एनसीआर का डायग्राम है जरूर से याद रखना जंक्शन किस में दिख रहे हैं तुमको कार्डियक में जंक्शन दिख रहे हैं और उसमें नहीं दिख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है ये एनसीआर के डायग्राम याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं स्मूथ मसल टेपर होती है बोथ द एंड से देखा डायग्राम देखा था हमने जो क्या होती है इसको क्या बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म मसल्स अगर तुम्हारे पास कहीं एग्जाम में पूछ ले कि फ्यूजी फॉर्म कौन सी होती है तो तुम क्या बोलोगे स्मूथ मसल होती है सर फ्यूजी फॉर्म क्या बोलोगे तुम लोग स्मूथ स्मूथ मसल्स होती है फ्यूजी फॉर्म ठीक है एंड डू नॉट शो स्ट्रेस ठीक है स्ट्रेस नहीं दि दिखाती है सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर कनेक्टिव टिश्यू द वॉल ऑफ इंटरनल एज अ ब्लड स्मूथ स्टमक लाइनिंग दे कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल यानी कि स्मूथ मसल मसल जो भी भी मसल्स होती है जहां पे भी involuntary दिखती है वो जनरली कौन सी होती है स्मूथ मसल्स होती है जनरली कौन सी होती है स्मूथ मसल्स होती है समझ के अंदर आगे बात आगे चलेंगे स्मूथ मसल्स आर इन्वॉलेंट्री जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड हम उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है कार्डिक मसल टिश्यू और कॉन्टेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट कहां पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल जंक्शन फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्डिक मसल सेल्स मेक देम स्टिक दुगेदर कम्युनिकेशन जंक्शन ठीक है इंटरकलेटेड डिस्क होती है एट सम्यू एंड सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनाइट वेन वन सेल रिसीव अंगल टू कॉन्ट्रैक्ट द नेबर ऑल्सो स्टमुलेटेड ठीक है तो इंटरकिल करती है बच्चे इंटरग्रेटेड मान लोजिए अंदर आया है स्टूमुलेशन तो आगे ट्रांसफर कर देती है उसको ठीक है उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल ने टू नेक्सलक्स सेल ऐसी चीजें चलती जाती है बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड बच्चो बहुत बढ़िया से ठीक है लाइक एंड शेयर कंटिन्यूसली करते रहो न्यूरल टिश्यू पे आएंगे जो न्यूरल टिश्यू सबसे ज्यादा तुमको परेशान करने वाला चीज है देख लेते हैं न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज ठीक देखो कितनी खूबसूरत लाइन है यार कितनी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है कि न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिव हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्सिव पावर है उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रोल किसका है हमारे न्यूरल सिस्टम का है किसका है हमारे न्यूरल सिस्टम का है किसका है न्यूरल सिस्टम का है ठीक है कुछ हर चेंजेस कंडीशन के अंदर वेरियल कंडीशन के अंदर न्यूरल सिस्टम ही वो सिस्टम है जो एक्ट करता है अलग अलग तरीके से समझ में आ रहा है न्यूरोन इज ऑफ सेवरल न्यूरल सिस्टम एंड एक्साइटेबिलिटी सेल्स ये याद रखना एनसीईआरटी का डायग्राम है एक्सॉन एंड्रॉन ढंग से बात एक बार देख लेते हैं न्यूरल न्यूरॉन को वैसे कई बार मैंने तुमको ये डायग्राम बना के दिखाया है एक बार फिर से दिखा रहा हूँ इस तरह से होता है ये एक्सोन होता है ठीक है।, दे है ये साइनेप्टिक नोब होती है यहाँ से डेंड्राइट्स निकलते हैं ये इस तरीके से एक्सोन होता है हमारा ठीक है सर मैं यही बात ये थोड़ा नोब्स चलो तो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी वाला तुमको याद रखना है द न्यूरोनल सेल्स विच कंसिस्ट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट सपोर्ट द न्यूर न्यूरोग्लिया है ठीक है हाफ ऑफ दूम किससे बनता है न्यूरोग्लियाल बच्चे मैम भी आएगी बिल्कुल मास्टर महेश नेगी जी मैम आएगी मेरे बात मैं तो पढ़ा लू बच्चे ठीक है बिल्कुल मैम आने वाली है मैम बिल्कुल आएगी थोड़ी देर में ह्यूमन फ्यूज का जो पार्ट है वो मैम भी जरूर से लेगी तब तो तक तो हम चल रहे हैं आगे ठीक है तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल स्विफ्टली ट्रेवल करते हैं जो इसके अंदर स्टेबिलाईज होते हैं वो किसका करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं जो मैंने फोर प्रोबेबल कंसेप्ट पढ़ाया था तुमको द कंडक्शन ऑफ नर्व नॉर्मल वहां पे मैंने समझाया था किस तरीके से होता है समझ गए अराइवल जो होता है इनबिशन होता है एडजस्टेड न्यूरोन के अंदर किस तरीके से चलता है माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स के अंदर बहुत जल्दी कंडक्शन होता है नॉन माइलिनेटेड माइलिनेटेड के अंदर धीरे कंडक्शन होता है ये सब चीजें हम कर चुके हैं तो चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर रेडी हो ह्यूमन फिजियो पे आ गए हम यार कितना जल्दी से हम लोगों ने रिवाइज किया है ये चीजें बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग ठीक है बहुत अच्छे से हमारा रिविजन चल रहा है तो अपने आप को थम्सअप देते रहो यार अपने आप को थम्सअप देते रहो बिल्कुल निधि बिल्कुल सही बोल रही है आज इलेवन जू कंप्लीट हो जाएगी तुम लोगों की आज इलेवन जू कंप्लीट होने वाली है तुमको कोई भी डाउट हो कोई भी चीज हो बता सकते हो तुम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज इलेवन जूलॉजी कंप्लीट तो वहाँ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी नीट ट्वेंटी वन वाले जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं तुरंत रिवाइज करना तो आज का लेक्चर सबसे बेस्ट है उनके लिए कि जिस तरीके से वो रिवाइज कर सकते हैं ना तो कोई कंसेप्ट छूटा है ना कुछ बेटा कॉकरोच क्यों नहीं पढ़ा रहे कॉकरोच सिर्फ और सिर्फ एनसीआर बेसिस है देखो कॉकरोच और उसपे इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसकी एनसीआरटी पढ़नी है हमको एनसीआर और स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके नहीं फ्रॉग नहीं आएगा बच्चे फ्रॉग नहीं पढ़ना है ठीक है कॉकरोच का सिर्फ एनसीआरटी स्ट्रक्चर पढ़ना है सतीश कॉकरोच का एनसीआरटी वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है बिल्कुल उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सिर्फ एनसीआरटी पढ़नी है हमको कॉकरोच की और कुछ नहीं पढ़ना है चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल प्रथम मिश्रा जी क्या हो गया चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं डाइजेशन की बात करेंगे डाइजेशन एंड बच्चे डाइजेशन का मतलब क्या होता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है मान लो कि तुमने कोई फूड कर दिया ये हमने फूड लिया है ये हमने फूड लिया है ये फूड क्या है कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है ये कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल हमने लिया है हमने इसको ले लिया है ये क्या है कॉम्प्लेक्स फूड है क्या है ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है अब ये हमने कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट खाया इसके अंदर प्रोटीन भी है इसके अंदर फाइबर भी है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है इसके अंदर क्या है ठीक है फैट भी है मान लो तुमने मिठाई खा ली गुलाब जामुन खा लिया गुलाब जामुन के अंदर सब कुछ है ठीक है तो कोई मिठाई खा ली गुलाब जामुन अगर तुम खा लिए तो ये गुलाब जामुन के अंदर सब कुछ है ये कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है ये क्या है कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल है इस कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल को सिंपल प्रोसेस में तोड़ने को क्या बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं जैसे कि अगर बात करूँ अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है अगर ये प्रोटीन है तो इसको किस में तोड़ देंगे हम अमीनो एसिड में तोड़ देंगे किस में तोड़ देंगे अमीनो एसिड्स में तोड़ देंगे तो मतली कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को चाहे मैकेनिकल चाहे केमिकल प्रोसेस से सिंपल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग डाइजेशन बायो मॉलिक्यूल बच्चे मोलिक्यूल बेसिस ऑफ इनाइटेंस यानी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ तुमको सेल्स के साथ ठीक है तो मॉलिक्यूल्स में हम वहां पे करेंगे ठीक है समझ गए बात को चलिए वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है देखो बच्चे एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि मैं बात करूं तुमको कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है द कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग जो पोस्टीरियर ओपनिंग है माउथ माउथ से जो स्टार्ट हो रही है और जो एंड हो रही है एनएस पे ये क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर लैरिंग से लेकर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस ठीक है ये क्या है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर -like है इसको बोलते हैं कैनाल Which 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 is is a A canal canal what what has has two opening. A is what, which has two opening. opening. तो ये क्या है एलिमेंट्री कैनाल जब मैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेस्टिव ब्लैंड को जोड़ दूंगा जब मैं एलिमेंट्री के साथ डाइजेस्टिव ब्लैंड को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा क्या बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा वेन आई एडोपेस्टिव ब्लैंड विदिमेंट्री कैनाल आई विल गेट डायजेस्टिव सिस्टम ठीक है बिना ग्लैंड के मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोल सकता मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल है और जब मैंने ग्लैंड लगा दिए ग्लैंड का मतलब क्या है सलाइवरी ठीक है मैंने लगा दिए तो क्या बन जाएगा वो पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा क्या बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा बिल्कुल रजनीश बिल्कुल बॉटनी के रिविजन में बिल्कुल जेनेटिक्स पढ़ाई जाएगी समझ में आ गई बात चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ठीक है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को मिला क्या बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है डाइजेशन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स का डाइजेशन होगा ऑब्जॉर्बन ऑफ फूड होता है और डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो जॉन्डिस जॉनडिस और ये सब चीजें हैं हैं जो हम देखते चलिए आगे बढ़ते हैं सिस्टम को समझते हैं डायग्रामेटिक सिस्टम तरीके से सिस्टम को समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है चालू हो रहा है ओरल कैविटी से चालू हो रहा है ओरल कैविटी माउथ से डाइजेशन पे स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ डाइजेशन पे हो रहा है स्टार्ट इन माउथ डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ में हो जाती है डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका डाइजेशन 30% परसेंट ऑफ द स्टार्च डाइजेस्टेड इन दो माउथ डाइजेशन किसका स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर स्टार्च का ठीक है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम टाइलिन ठीक है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से निकलता है पोजीशन पोजीशन ऑफ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट ईयर के पास होता है, some some हो है ठीके, ठीके, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे होते हैं ठीक है ठीक है सब लिंगुअल यानी बिलो द टंग

कॉमन पैसेज है ऐसा कौन सी जगह है से फूड और एयर दोनों निकलती है तो वो क्या है फेरिंग्स है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर याद रखना इस बात को कॉमन पैसेज कॉमन पैसे लोटिस होता है ठीक है यहां पे क्या होता है एपिक्लोटिस होता है याद रखना क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एपिक्लोटिस होता है ठीक है इसोफेगस में नो डाइजेशन नो डाइजेशन इज इन इसोफेगस इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है इसोफेगस के अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरिंग ऑफ फूड इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है ट्रांसफरिंग ऑफ फूड होता है सिर्फ और इसोफेगस के अंदर एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसोफेगस के अंदर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या करता है बच्चे फूड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होने पर मजबूर कर देता है फिनोमिटेंट फिनोमिना है, पे है पेरिस्टेटिक मूवमेंट का ठीक है समझ में आ गई बात तो यार लाइक करना है सेशन को क्यों लाइक नहीं कर हो अभी तक थाउजेंड लाइक का लक्ष्य है तुम लाइक नहीं करोगे तो कैसे होंगे चलो इज ऑफ एगस लीवर की बात कर ली स्टमक की बात करेंगे अब स्टमक में

ठीक है ये सब भी चीजें याद रखनी है बर्मी होम अपडिक्स क्या होती है ये वेस्टिजियल मानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है ठीक है वेस्टिजियल मानते हैं हमारी बॉडी के अंदर इसका काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर सा कोई काम नहीं है ठीक है बिल्कुल वेरी गुड बच्चों वेरी वेरी गुड चलो आगे बात करेंगे सीकम इलियम ऑब्जॉर्प्शन ठीक है अल्कोहल का ऑब्जॉर्प्शन कहा होता है ये पूछा था नीट के अंदर तो कहां होता है स्टमक में होता है ठीक है फूड का स्टोरेज कितने घंटे के लिए होता है स्टमक में तीन से चार घंटे के लिए इसलिए तुम एक बार खाना खा लो अगर भरपेट खाना खा लिया तो तीन से चार घंटे तुमको भूख नहीं लगती क्यों क्योंकि स्टमक में अभी तक फूड पड़ा हुआ होता है स्टमक में फूड रहता है इसलिए हमको भूख नहीं लगती है समझ अंदर आगे बात समझ के अंदर आगे बात चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ड्रग्स और वाटर का ऑब्जॉप होता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम से तुम्हें लेबलिंग पूछ ली जाती है कभी कभी तुमको आ, कुछ भी बोल जाता है कि इसमें तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है मैक्सिमम डाइजेशन होता है कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से ये वाला एंजाइम निकलता है वो वाला एंजाइम निकलता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ के अंदर आगे बात चलिए आगे बढ़ते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग तो देखते हैं मेजर कंपोनेंट हो गए अपने फूड के जो बैलेंस डाइट हम लोग क्या लेते हैं बच्चे हम लोग क्या करते हैं एक बैलेंस डाइट जरूरी है हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए एक प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है डाइट डाइट क्या क्या होती है मतलब क्या है ऑल ऑल द द कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ऑफ फूड फूड से मेरा मतलब उसके उसके अंदर अंदर प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट हो लिप्ड हो विटामिन फाइबर्स हो उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग एक बैलेंस डाइट बोलते हैं उस डाइट को समझ के अंदर आई बात तो क्या बोलते हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं समझ आई चलिए आगे बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज देखो कुछ फूड कंपोनेंट हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स ठीक जैसे कि प्रोटीन वी रिक्वायर मोर प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग बट विटाम स्पेसिफिक क्वांटिटी ओनली ठीक है ज्यादा क्वांटिटी में उनको जरूरत नहीं होती है ठीक है इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इज ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी वाटर की जरूरत होती है बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो बड़े होते हैं ठीक है और बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो छोटे होते हैं मेजरली बायो माइक्रो मोलिक्यूल को ही बायो माइक्रो मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डाइजेशन बोला गया है समझ गया अंदर आगे बात चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं ठीक है एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो माउथ जो एंटीरियर है एनस जो पोस्टीरियर है कहाँ से चालू हो रहा है हमारे पास माउथ से चालू हो रहा है फिर बकल कैविटी में जा रहे हैं हम लोग फिर टीथ और टंग यहाँ पे क्या हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन मैं क्या बोल सकता हूँ इसको यहाँ पे क्या हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है क्या हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन मतलब वी आर ब्रेकिंग डाउन द दा फूड कंपोनेंट इनटू टू ग्राइंडिंग ऑफ फूड कर रहे हैं हम टीथ से

फ्लोर ऑफ बक्ल कैवेटी जो टंग होती है वो किससे अटैच होती है फ्लोर ऑफ बक्ल कैवेटी से अटैच होती है इसको बोलते हैं ठीक है जो टंग होती है तुम देख सकते हो तुम फील कर सकते हो जो फ्लोर से अटैच है किससे अटैच है से अटैच है ठीक है चले आगे सम प्रोजेक्शन जिसको क्या बोलते हैं जो टंग पे प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स क्या बोलते हैं उसको टेस्ट बर्ड्स ठीक है क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर एनसीआर टी से लिया हुआ है और तुम जानते हो क्या होता है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डेंटल फार्मूला क्या है बच्चों डेंटल फार्मूला लिखो फटाफट डेंटल फार्मूला क्या होता है ह्यूमन के अंदर डेंटल फार्मूला क्या है फटाफट डेंटल फार्मूला बिल्कुल वेरी गुड अमन टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री ये क्या है डेंटल फॉर्मूला है किसका ह्यूमंस का याद रखना इसको. है इसको ठीक है इंसाइजर मोलर प्रीमोलर के नाइन इंसाइजर ठीक है अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होते हैं ठीक है रियरिंग ट्रीयरिंग के लिए इंसाइजर होते हैं चुईंग के लिए प्रीमोलर होते हैं समझ में अंदर आगे बात तो इसके लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं बिल्कुल निधि वेरी गुड हर्ष बिल्कुल जो विजडम टूथ होता है लास्ट वाला वो काम का नहीं होता है बिल्कुल रोहन बिजिगल वर्षा गोपाल सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है गौतम हर सुरेश बिल्कुल वेरी गुड बच्चे दीपाली आदित्य पायल मनाली अमर ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं और एलिमेंट्री के की बात करेंगे एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं हेट्रोडेंट होते हैं इनज कहना है प्रीमोलर फार्मूला की बात कर ली है हमने ठीक है इनेमल इनेमल क्या होती है इनेमल हार्डेस्ट कवरिंग होती है

गैस्ट्रोफेजियल स्प्रिंक्टर रेगुलेट स्टमक शेप कार्डियक इसोफेगस फंडिक ये अलग अलग पार्ट है स्टमक के ठीक है इसोफेगस एंटर हो रही है फंडस के अंदर फिर कार्डियक है फिर पायरोलिक है तो ये अलग अलग, अलग पार्ट है स्टमक के ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये याद करने की जरूरत है ये अलग अलग, अलग पार्ट है जो तुमको याद करने की ज़रूरत है याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को करीब से एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं स्मॉल इंटरस्ट के तीन पार्ट हमने देख लिए थे जेडिनम जेजुनम एलियम ओपन की बात कर ली थी ब्लांस एग फिंगरल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टीजल ऑर्गन होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है वेस्टिजल ऑर्गन है हमारे अंदर से कोई काम नहीं था पहले जो होते हैं कैटल वगैरह के अंदर यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्टिंग सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पर अभी इसका कोई काम नहीं है आगे बढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री के नाल की बात करेंगे ईसोफेगस टू रेक्टम ठीक है फोर लेयर होती है सेरोसा मस्क्यूलैरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा देखो बाहर वाले लेयर को क्या बोल रहे हैं सेरोसा फिर मस्क्यूलैरिस फिर सब म्यूकोसा फिर म्यूकोसा ठीक है आउटर मोस्ट स्मूथ मसल टिश्यू एंड ठीक है रेगुलर फूल जो थिन होती है वो मीजोथिलियम विस्ट्रल ऑर्गन कनेक्टिव टिश्यू ठीक है इनर सर्कुलर लेयर मस्कुलरिस क्या है इनर सर्कुलर लेयर है एंड आउटर लॉन्गिट्यूनल लेयर है ये याद रखना मस्कुलरिस के अंदर इनर सर्कुलर होती है आउटर लॉन्गिट्यूनल होती है ठीक है ओब्लिक मसल्स बोलते हैं इनको ठीक है सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है कलेक्टेड टिश्यू होती है इसके अंदर नर्व्स भी होती है ब्लड भी होते हैं लिम्स भी होते हैं बेसल्स भी होते हैं और कुछ ग्लाइंड भी होते हैं म्यूकोसा इेगुलर फोल्ड है स्मॉल प्रोजेक्शन किसके अंदर होता है म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा क्या है इनर मोस्ट लेयर है अंदर बात। आगे बढ़ेंगे। आगे आगे बात बढ़ेंगे बढ़ेंगे विलाई की बात करेंगे सेल लाइनिंग यानी कि माइक्रो विलाई सस्पेंडेड देखो हर विलाई के बीच में क्या होते हैं क्रिप्स होते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकून होते हैं जो की क्या सीक्रेट करते हैं सकस सकास करते हैं सकस एंटेिकस क्या होता है इंटेस्टिनल जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन बहुत सारी चीजों का डाइजेशन मदद करता है ब्रश बॉर्डर होता है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ठीक है म्यूकस एपिथिलियम गॉबलेट ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लिवरकून बिटवीन द ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द दिलाई क्या होता है क्रिप्ट ऑफ लिवरकून होता है सरोसा की बात कर लेते हैं आउटर मोस्ट ये डायग्राम एनसीआर का है जो बता रहा है इनर लॉन्ग इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनोसा म्यूकोस याद रखना है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम तुम्हारे लिए आगे बढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं Gland, gland, देख लिया था इसके अंदर हमने ठीक है लीवर क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का अबडोमिनल कैविटी में होता है दो लोब होते हैं हिपेटिक ग्लोब्यूल क्या करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट कौन सा है लीवर का फिर हिपैटिक सेल्स हैं

कॉमन बाइल कहाँ जाएगा सीधा ड्यूटेम के अंदर जाएगा ये देख सकते हो स्ट्रक्चर ये एनसीआर का स्ट्रक्चर है बच्चों बहुत याद रखना है पे डॉम तो, लिवर कुल कॉमन हिपेटिक common bile duct. है कॉमन बाइल डक्ट यहाँ तक गॉल डक्ट बन गई। ये पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए डायग्राम को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे है, है, डक्ट है पैनग्रेटिक ग्लैंड है प्लस बाइल डक्ट डक्ट है है डेप्रिंक्टर ऑफ ओडाई स्प्रिंक्टर ऑफ ओडाई ठीक है गार्ड करते हैं पेनग्रेटिक सिक्शन को एक्जो एंड एंडोक्राइन है यू शेप ड्यूडेनम होता है बिटवीन द यू शेप ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है पेनक्राइटिक जूस है प्लस एंजाइम एंडोक्राइन हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन जो कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन किसको मेंटेन करता है शुगर लेवल को मेंटेन करने वाली चीज़ है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनक्रेटिक के ये सिक्रेशन याद रहूंगे डक का डक्ट पेनक्रैटिक

समझ गए बिल्कुल वेरी गुड श्रुति रवीना सेवन स्केल तेजा श्री बिल्कुल बच्चे लाइक एंड शेयर करते रहो यार सेशन को ऐसे काम नहीं होने वाला चलो डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे तो हमने कर ली है टीथ से मैकेनिकल और केमिकल मैं तुमको बता चुका हूँ सलाइवा के अंदर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन होते हैं लाइजोजाइम होता है ठीक है अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जिसको टाइलिन भी बोलते हैं ठीक है बोलस ठीक है बोलस किसको बोलते हैं सलाइवरी मिक्स फूड को क्या बोलते हैं बोलस बोलते हैं ईसोफेगस से पेरिस्टेटिक मूवमेंट करके फूड कहां चल जाता है नीचे स्टमक की तरफ बढ़ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ओरल के अंदर हाइड्रोलाइटिक कार्बोहाइड्रेट डिस्प्लेन लाइसोजाम एंटीबैक्टीरियल ठीक है जो कि प्रिवेंट करता है लाइसोजाम क्या करता है बैक्टीरिया को मारता है ठीक है तो ये एंजाइम के नाम तुमको याद रखने की जरूरत है म्यूकोसा ऑफ सेल क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं म्यूकस से नेक सेल से म्यूकस निकलता है पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन निकलता है और पेराइटल सेल से क्या निकलता है एस और इंटरेस्टिंग फैक्टर यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व और इंटरेस्टिंग फैक्टर किसके लिए जरूरी है विटामिन बी के डाइजेशन के लिए जरूरी है बिल्कुल आयुष गहलोत बच्चे कैसे हो नाम ले दिया आपका बिल्कुल बिल्कुल बच्चे नीट फोड़ना ही है हमको ठीक है तुम्हारे लिए ही है सब कुछ ठीक है ही है नीट. है ठीक तो ये बात ध्यान रखना क्या प्रोड्यूस करते हैं कन्वर्ट से, है? हो जाता है और पेराइटल और ऑक्सीजेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं एस सी एल और इंटेंसिक फैक्टर विटामिन बी प्रोड्यूस करते हैं स्टमक ठीक है पेप्सिन की बात करेंगे तो प्रोपेप्टोन

लाइपेज और न्यूक्लियसिस ये पेनक्रेटिक जूस से है एंटेरोकाइनिस जो कि किसका पार्ट है सक्कस एंटेरिकस का पार्ट है किसका पार्ट है सकस एंटेरिकस का पार्ट है जो ये क्या कर रहा है एक्टिवेशन कर रहा है किसका ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन के अंदर ठीक है बाइल आ रहा है गोल बेडर से ये वाला डायग्राम तुम समझ सकते हो इंटेस्टिनल जूस यहाँ पे आया है पेनक्रेटिक जूस यहाँ पे आया तो सबको कुछ ड्यूडेनम के अंदर आ चुका है एसिडिक से यहाँ पे बेसिक एन्वायरमेंट हो जाता है ड्यूडेनम में स्टमक में जो एनवायरमेंट एसिडिक है वो ड्यूडेनम में बेसिक हो जाता है ठीक है बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है लाइपेज होते हैं ये क्या डाइजेशन ऑफ लिपिड में मदद करते हैं ये ठीक है किस मदद करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड तो बाइल किस में मदद तो करता है जनरली इमल्सिफिकेशन ऑफ और... इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में मदद करता है ठीक है किस मदद करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में मदद करता है ड्यूडेनम की बात हमने कर ही ली थी ट्रिप्सिन जो पेप्टाइड को डाइपेप्ट में कर देते हैं पॉलीसेक्राइड को डाई में कर देंगे अमाइलेज और फैट का डाइजेशन लाइपेज में होगा और लास्ट के अंदर जाके इमल्सिफिकेशन हो जाता है बाइल जूस की मदद से चले इंटरसिनल जूस की बात करेंगे डाइसेक्राइड डाइपेप्ट लाइपेज बाई आयन ब्रूनर्स ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं सब म्यूकोसा के अंदर कोई बच्चे ने मेरे से पूछा भी था अभी सर ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होते हैं तो वो सब म्यूकोसा में होते हैं और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं मैंने सारे म्यूक ग्लैंड बच्चे इधर डाल रखे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं छूटा हुआ है सारे ग्लैंड यहाँ पे डाल रखे हैं सबके के नाम मेरे लिए हैं बिल्कुल अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे सारे ग्लैंड और सारे एंजाइम क्लियर हो जाएंगे आज ठीक है आगे चलते हैं न्यूडेनम की बात करेंगे तो डाईपेप्टाइपेप्टाइडेस अमीनो एसिड मॉल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये सारी चीज़ें हैं कौन कौन कितना कितना डाइजेशन करता है ठीक है लाइपेस फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रॉल से मदद कर रहा है

कौन सा होता है एसकेरियसिस क्या है, है बॉल मूवमेंट को डिस्टर्ब करने वाले बैक्टीरियाज हैं जो कि बॉल मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं चलो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ये हमारा अभी ठीक है इसके बाद मैम आएगी इस वाले चैप्टर के बाद तो यार फटाफट लाइक कर दो यार मैम आएगी तो सिक्स हंड्रेड लाइक्स तो मिलने थी उनको चलिए चलिए फटाफट गेट रेडी चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बात करेंगे दोनों के फंक्शनली के अंदर क्या है स्ट्रक्चरली तो क्या है अपर रेस्पिरेटरी जैसे नोज से होती हुए एयर खान आती है नेजल ट्रैक्स से पूरी होते हुए फेरिंग्स तक जाएगी ठीक है उसके बाद लैरिंग्स में जाएगी देखो फेरिंग्स तो कॉमन होता है दोनों के लिए

ब्रोंकियोल जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है ना डक्ट और डॉलोलाई वो क्या है रेस्पिरेटरी पार्ट है वहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है चलो देख लो एपिग्लॉटिस गार्ड द ग्लॉटिस फॉर लैरिंग्स ट्रेकि वॉइस बॉक्स बोलते हैं ट्रेकि गार्डेड बाय द सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग टू हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग ये कोलैप्स ना हो इसलिए क्या होती है यहाँ पे सी शेप्ड रिंग्स होती है फिर ब्रोंकस होती है फिर कट होते हैं रूलर मेम्ब्रेन होती है एलव्यूलाई होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू होता है डायफ्राम होता है जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है तो ये स्ट्रक्चर है एनसीआर टी का है इसकी लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी है चलो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ लंग शुड बी मोर इंस्पिरेशन में क्या करना पड़ेगा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगी लो प्रेशर होगा ओ टू का तभी तो बाहर से अंदर लेंगे यहाँ पे CO2 टू का हाई हो होगा तभी तो बॉडी से बाहर निकालेंगे ठीक है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट यहाँ पे जो डायफ्राम यू था वो कैसा हो जाएगा यू हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे डायफ्राम यू ही रहेगा ताकि वॉल्यूम कम हो जाएगी डोम शेप रहेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है टू तो इंक्रीज द वॉल्यूम यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल इंटरको कॉस्टल मसल गेट रिलीज ठीक है वो वापिस डी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है वो यहाँ पे डी कॉन्टैक्ट हो जाती है चलो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ये बात हमने देख ली थी लंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग एक्सपेंड कर जाते हैं ठीक है प्रेशर बता रखा है यहाँ पे सेवन सिक्सटी टू और यहाँ पे सेवन एट्टी सेवन सिक्सटी से लेकर सेवन एट्टी होता है इंट्रापर्मिनल प्रेशर ये एक्टिव प्रोसेस है कौन सा इनहेलेशन और एक्जेशन क्या है पैसिव प्रोसेस है मतलब इनहेल करने में हमको एनर्जी लगती है और एक्जेल करने में हमको एनर्जी नहीं लगती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे तो फोर्स होता है डायफ्राम रिलैक्स होता है ईआईसी मसल्स रिलैक्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ईआई यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ठीक है इंटरनल कोशल मसल

पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है स्टर्नम देखो सांस लेके देखो गहरी सांस लो एक ये पूरा का पूरा थोड़े ऊपर मूव करेगा करता मूव पीछे से तुम्हारी रिब्स अंदर जाएगी इनवर्ड एंड आउटवर्ड ये मूवमेंट यू होता है देखो यू मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ और जब एक्सल करोगे तो वापिस रिलैक्स हो जाऊंगे ठीक है इनहेल करोगे तो मूवमेंट ऊपर होगा एक्सेल करोगे तो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा तो इस तरीके से मूवमेंट होता है

एलविला में वन जीरो फोर फोर्टी नाइन्टी फाइव ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में ठीक है और टिश्यू के अंदर फोर्टी तो सीधा ब्लड कहाँ जाएगा यहाँ पे अब फोर्टी फाइव होगा यहाँ पे टिश्यू के अंदर तो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ऐसे ही ऑक्सीनेटेड में फोर्टी फाइव होता है एलविला में फोर्टी और बाहर और कम तो एलविलाई से बाहर की तरफ ब्लड निकल जाएगा तो ये प्रेशर तुमको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रेशर याद रखने हैं सब बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रेशर याद करना ठीक है आगे बढ़ते हैं इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की बात करेंगे एलवेलर एयर ये पूरा का पूरा डायग्राम एनसीआर टी से उठाएगा यहाँ पे वन जीरो फोर एम एम एच डी है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी अंदर जाएगी और सी टू का प्रेशर यहाँ पे चालीस है और यहाँ पे पैतालीस है तो सी ओ टू कहाँ जाएगी एलवेला के अंदर जाएगी और बॉडी से बाहर जाएगी समझिए अंदर आ गई पल्मोनरी वेन से लंग्स में जाएगा लंग्स से सीधा बॉडी में जाएगा ठीक है हार्ट में जाएगा और हार्ट से सीधा सिस्टमिक आर्टरीज से कैरिंग ऑक्सीजेटिव ब्लड जो कि प्रेशर कितना है वहां पे 95 और O2 का CO2 का प्रेशर कितना है 40 40 CO2 का प्रेशर कितना है है बच्चे 40 है. तो इस तरीके से तो पूरा ऑक्सीजनेटेड और डी ब्लड पूरा पूरा घूमेगा ये प्रेशर तुमको याद रखना है ये नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम ठीक है आगे बढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है ये क्या है ये बैरियर है ये पूछ रहा है कितने बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं फिर एलवियो वॉल होगी वन सेल थिक होगी ठीक है फिर मूवमेंट होगा तो तीन बैरियर होते हैं एक तो ये वाला बैरियर में बेसमेंट मेम्ब्रेन एक स्क्वायम एपिथिलियम ऑफ एल्वियोलाइ ब्लड वेसल्स का वॉल बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाय बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एक तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस अफेक्ट करेगी कि अगर गैस ज्यादा सोलिबल है या कम तुमको पता हो कार्बन मोनोऑक्साइड का केस कार्बन मोनोऑक्साइड का केस क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की सोलिबिलिटी और अफिनिटी ज्यादा होती है ठीक है तो सॉलिबिलिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पार्शियल प्रेशर का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है हायर पार्शल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव होती है चीजें थिकनेस की है ज्यादा थिकनेस होगी तो डिफ्यूजन में दिक्कत आएगी और कम थिकनेस होगी तो डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर दो चेन होती है और दो चार हीम ग्रुप होते हैं तो एक हीमोग्लोबिन में चार जाती है ऑक्सीजन एक आर के अंदर ठीक है रेड कलर का पिगमेंट होता है आरबीसीज ठीक है ये सबको बताया तुमको स्टेट ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी फॉर्म ऑफ और फेरिक स्टेज ये कल भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था तुमको कि कौन सी स्टेज में होता है फेरिक स्टेज में होता है कौन सी स्टेज में होता है फेरिक स्टेज में होता है समझ गए बात को बिल्कुल वेरी गुड प्रेरणा दिनेश वेरी बहुत बढ़िया अमर कब अमर कुमार बहुत बढ़िया बच्चे रोहन दीपाली बहुत बढ़िया वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छा है तुम लोग जिस तरीके से पूरा सेशन में पढ़े हो बहुत बढ़िया एम प्राउड ऑफ यू ग्वाइज ऐसे ही बच्चे हैं जो तुम लोग सिलेक्शन मतलब तो यही मेहनत चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेमिंग जोन है देखो ये जो शिफ्ट होता है राइट साइड उसको बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं ये सब चीजें देखते हैं हम कब ये शिफ्ट होगा इस तरफ जब क्या होगा इंक्रीज पार्शल प्रेशर ठीक है डिक्रीज अफिनिटी जब ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाएगी देखो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्या करेगी टूट जाएगी क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना यार एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो चार ऑक्सीजन टूटी थी पहले वहां से दो टूटी थी अब चारों टूटना चालू तो तो हो जाएगी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम हो जाएगी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा

एंड हीमोग्लोबिन की अफिनिटी की बात चल रही है यहाँ पे किसकी अफिनिटी की बात चल रही है ओटू एंड हीमोग्लोबिन की की बात चल रही है बच्चों किसकी बात चल रही है ओटू एंड हीमोग्लोबिन की की बात चल रही है ट्रांसमोर्टेशन ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो सेवन परसेंट यानी कि जीरो पॉइंट थ्री पर एमएल ब्लड डिजोल्व होकर जाती है कार्बिन हीमोग्लोबिन से ट्वेंटी थ्री परसेंट जाती है और एस सीओ थ्री आयन से सेवेंटी परसेंट जाती है बहुत ज्यादा जरूरी है एस सीओ थ्री आयन से जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सेवेंटी परसेंट किससे जाती है एस सीओ थ्री आयन कैसे बनते हैं सीओ टू प्लस एस टीओ कार्बोनिक एनहाइड्राइज फास्टेस्ट एंजाइम बोलते हैं इसको कार्बोनिक एनहाइड्राइज आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है तो एस सीओ थ्री आयन बन जाते हैं आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज फास्टेस्ट एंजाइम की फॉर्म में जानते हैं तुम लोग इसको और सीओ टू एस सीओ थ्री एस टू सीओ थ्री बनता है बाई कार्बोनेट उससे क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइस करता है और एस सीओ थ्री सेवेंटी परसेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीओ टू इससे होता है सेवनटी परसेंट ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होता है सेवनटी परसेंट ऑफ सीओ टू ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होता है बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है यह बात सेवेंटी परसेंट क्या होता है इस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है ठीक है वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री के नंबर आते हैं सिंपल है वॉल्यूम याद करना टाइडल वॉल्यूम लंग वॉल्यूम है ये लंग की वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रिंग एंड लीविंग डिविंग अंगल भी इन वॉलेंट्री जितनी तुम एयर अंदर ले रहे हो इनवॉलेंट्री जितनी तुम एयर बाहर छोड़ रहे हो उस एयर के अमाउंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं उस एयर के अमाउंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं ठीक है कितनी होती है ये फाइव हंड्रेड एम एल होती है कितनी होती है ये फाइव हंड्रेड एम एल होती है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी का फाइव हंड्रेड एम एल होता है हमारी बॉडी का टाइडल वॉल्यूम मतलब लंका जो नॉर्मल है नॉर्मल है ये कितना है नॉर्मल है ध्यान रखना इस बात को टाइडल वॉल्यूम क्या है नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी एयर बाहर जा रही है अंदर आ रही है नॉर्मल में जो एयर भार और अंदर हो रही है उसको तो क्या बोले टाइडल फिर हो रही है आई आर वी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो रही है आई आर वी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कॉक दैट कैन बी मैक्सिमली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव दैट टिपिकल रेस्टिंग टाइटल वॉल्यूम अब जो रेस्टिंग टाइटल वॉल्यूम है उसके ऊपर कितनी एयर तुम लोग ब्रीथ कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि हाउ मच एयर आई कैन ब्रीथ ओवर माय टाइडल वॉल्यूम ओवर माय टाइडल वॉल्यूम याद रखना ठीक है ओवर माय टाइडल वॉल्यूम तो ये क्या हो जाएगी थ्री थाउजेंड एमएल है कितनी है ये थ्री थाउजेंड एम एल वेरी गुड पायल वेरी गुड बच्चे हर्ष फाइव थाउजेंड नहीं है थ्री थाउजेंड एम एल है फिर इंसपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई मेरी आई जो कि मैंने टाइटर वॉल्यूम से ऊपर ली थी तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जो मैं नॉर्मल लेता हूं और जो मैंने फोर्सफुली ली है वो मेरी कैपेसिटी हो गई तो कितनी हो गई थ्री थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड जो कि आईसी कितनी हो जाएगी आई आर वी प्लस टीवी जो कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि ईआर है वो क्या है कि टाइडल वॉल्यूम से जितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगी हमारी हंड्रेड और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं जो कितनी होती है ट्वेल्व हंड्रेड एम एल होती है बच्चों प्लीज यार लाइक द सेशन शेयर द सेशन बहुत शेयर करो यार हम कहाँ से कहाँ गए इतने सारे वॉचिंग हमारी चल रही थी सर बच्चे थे तुम लोग आ रहे हो निकल जा रहे हो ठीक है अभी तो बोल रहे थे सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो अभी तुम लाइक करना बंद कर चुके हो सिक्स हंड्रेड लाइक्स नहीं कर पा रहे हो अच्छी बात नहीं है यार बिल्कुल बहुत सारे बच्चों सही आंसर दे रहे हैं निधि झील गौतम रोहन दीपाली मनाली वेरी गुड बच्चे ठीक है लाइक करते रहो यार सेशन को भानु वेरी गुड बच्चे लाइक द सेशन चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है लंग वॉल्यूम तुम देख सकते हो आईसीयू क्या बोलते हैं टीवी प्लस आई क्या होती है आईसी आईसी ठीक है ईसी क्या होती है इसी क्या होती है टीवी प्लस ई आरवी फंक्शन रेसिडोअल वॉल्यूम क्या होगी ई आरवी प्लस आरवी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी बची है हमारे बड़ी के अंदर ठीक है वाइटल कैपेसिटी क्या होगी वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा ई आर आई आरवी और टीवी मानी की एक्सपायरेड रिजर्व वॉल्यूम इंसपायरेड रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों मिला लेंगे तो क्या बन जाएगी टाइडल वॉल्यूम बन जाएगी ठीक है वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी और टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम को भी मिला देंगे टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी वीसी प्लस वीसी प्लस आर वी यानी कि मैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी मेरी टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी यानी कि टीएलसी बन जाएगी क्या बन जाएगी टीएलसी बन जाएगी समझ में आई बात तो टोटल लंग कैपेसिटी कैसे बनेगी आरवी प्लस ई प्लस आई प्लस टी तो ये क्या है टोटल लंग कैपेसिटी समझ गए वेरी गुड बिल्कुल वेरी गुड बच्चों कोई बात नहीं पढ़ते रहो ठीक है बस लाइक करते रहो जो बच्चे नए आ रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चे ठीक है ठीक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पता है तुम लोगों को एक तो कॉमन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सबको पता है बताओ यार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर बात करेंगे तो अस्थमा जो कि मोस्ट कॉमनली दिख जाता है सभी के अंदर अस्थमा जो नॉर्मली दिखता रहता है एम्फाइसीमिया एम्फाइसीमिया में क्या होता है जो एल्वेरा वॉल है वो क्या हो जाती है हार्ड हो जाती है स्मोकिंग स्मोकिं। स्मोकिंग से क्या होता है जनरली एम्फाइसीमिया होता है स्मोकिंग से क्या होता है जनरली एम्फाइसीमिया होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मैं देख सकते हो तुम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स कहाँ होते हैं जैसे कि सिलीकोसिस समझ में आ रही है बात ये क्या होते हैं ऑक्यूपेशनल जैसे कि जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं जो स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जनरली उन लोगों के अंदर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिल जाते हैं ठीक है निमोनिया द पस वैन द पस इज फील्ड इन द है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम निमोनिया बोलते हैं उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम निमोनिया बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम डाइपथीरिया से वो भी यही चीज कर रहा है फिलिंग ऑफ पसठ ठीक है तो वन एंड द सेम थिंग हो रही है यहाँ पे समझ में आ रही है बात तो अभी तक के जितना भी मैंने पढ़ाया सबको समझ में आया नहीं आया मैं मैम को बुलाता हूं तुम लोग लाइक करो यार सेशन को शेयर करो मैम आने वाली है ठीक है ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम जाती है अंदर ठीक है तो बॉडी टर्न्स आउट टू बी ब्लू होने लग जाती है बॉडी कैसे हो जाती है ब्लू होने लग जाती है लंग की इमप्रॉपर फंक्शनिंग से ठीक है ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी तक पूरी तरीके से तो कलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है समझ गए वेरी गुड तो आई एम कॉलिंग सेजल मैम तो जब तक आप लाइक like बढ़ाते रहो यार पूरी तरीके से लाइक like बढ़ाते रहो लाइक like अच्छे से बढ़ाते रहो लाइक like, अच्छे से बढ़ाते रहो ठीक है मैम को मैं बुला रहा हूँ मैम अब कंटिन्यू करेगी ह्यूमन फिजियो को आगे तक बहुत अच्छा से जो कि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है देख लेते हैं मैम से चालू करने वाली है चलो तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैम स्टार्ट करने वाली है वो है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन तो बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन ठीक है तो यू यू ऑल हैव टू स्टार्ट द सर्कुलेशन ऑफ हियर लाइक के सर्कुलेशन बढ़ा दो ताकि मैं मैम को बुला लेता हूँ चलिए पी पी, पी पीडीएफ ऐप पे मिलेगी और बाकी जानकारी आपको मैम देगी तो प्लीज वेलकम सेजल मैम विथ योर वार्म हार्ट एंड लाइक हाय गाइस हेलो एवरीवन ऑल माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स हाउ इज एवरीवन डूइंग सेटल हो जाओ ठीक है आराम से बहुत चिल होके सुनना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आई नो सर ने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आप लोगों को एंड आई ट्राई एंड डू सेम एंड मोर ऑल गैस तो सारे के सारे प्यारे बच्चे प्री रेक्ट क्या सेज़ल मैम के क्लास के हेलो ओशिका, रोहन हाय सो प्री रेक्ट वॉट आर प्री रेक्ट ऑफ सेजल मैम क्लास टू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स ऑल राइट right, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे खाना आई होप खा चुके होंगे तो एनर्जी तो होगी देखो रिवीजन ऐसे ही होता है रिवीजन में आपको कॉन्स्टेंटली बैठना पड़ता है करने के लिए एंड हम करवा रहे हैं आपका रिवीजन ऑल राइट गाइज हेलो हाय हाय रोहित हाय निधि भानु तो एक बारी मिल लेते हैं थोड़ा दो सेकंड रिलैक्स कर लो फिर उसके बाद हम बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग पांच चैप्टर का रिविजन करेंगे ऑल राइट हाई गाइज हाई सिर्फ आप ही खाना है सब कुछ खाना है अच्छे से खाना है ठीक है बच्चा चले तो स्टार्ट करें फटाफट से लाइक बढ़ते हुए दिखने चाहिए मैम को वाचिंग बढ़ते हुए दिखने चाहिए फिर मैम स्टार्ट करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो बच्चा सारे फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन चली जाए कि सेजल मैम सुपर रिवीजन ले रही हैं वन शॉट ठीक है बच्चा हाय अमन वर्मा आई कैन सी आई कैन सी ऑल माई लवली लवली स्टूडेंट्स अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि आज हम अब सर्कुलेशन पढ़ेंगे बॉडी फ्लूज सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द ऑल एक्सक्रीटरी वे ऑफ द बॉडी राइट उसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड देन कंक्लूड इट विथ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारे के सारे आ गए देखो जोलॉजी तो बोर नहीं लगना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसलिए हमने शुरुआत इससे की है की बच्चे हाई गौरव आई नो आई नो ये ओल्ड स्टूडेंट आई नो एंड आई लव एंड्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइज ऑल राइट ठीक है थोड़ा रुकिए सांस लेने दीजिए बिल्कुल देखिए हम एकदम चिल माहौल करने वाले पांच चैप्टर ऐसे निकाल दूंगी इतने ब्यूटीफुली समझा सम्झा भी चुकी हूँ जो जो उन बच्चों को तो पता है लेके जाती है एडवांस लेवल तक ठीक है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे आज की जो हमारी अब जो हमारी फुल वीक especially for you guys because exam is around the corner and you guys have to you guys have to revise it it's imperative bio sabko lagta hai aata hai aata aata unless question aa jata hai like yaar ye kahan padha tha to aise nahi karna ठीक है तो bio तो हम बहुत beautifully revise करवा रहे हैं हमारी पूरी biology की जो team है super amazing mentors

शेयर क्यों नहीं कर रहे अपने फ्रेंड्स के साथ हंड्रेड चाहिए मुझे ठीक है आई हंड्रेड वॉचिंग गाइज ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं विनीता, हैव टू स्टे हियर फॉर बायोलॉजी फॉर ज़ुलॉजी तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ का हम पूरा बायोलॉजी लेंगे बायोलॉजी प्लस so, I mean, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लाओगे मार्क्स तो उसके लिए कहा था अब ठीक है बच्चा तो स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही तालियां बजाओ तालियां बजती रहनी चाहिए और बहुत सारा प्यार दिखना चाहिए मैम को और वॉचिंग बढ़नी चाहिए बच्चा लोग ठीक है वॉचिंग बढ़ाओ फटाफट स्टार्ट करेंगे ब्लड देखो सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं

मसल कंट्रैक्शन बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इतनी सारी चीजें ऑलरेडी गाइस सो उसके लिए मैम को आपका सपोर्ट चाहिए उसके लिए वाचिंग बाड़ी ही चाहिए सुबह मैं आई थी और सुबह कहा था कि आ जाना टाइम पे ठीक है तो फटाफट फड़ चलते हैं स्टार्ट करते हैं सी फॉर्म एलिमेंट होते हैं ब्लड के पार्ट ठीक है तो प्लाज्मा 90% परसेंट वॉटर होता है ठीक है एंड फॉर्मड एलिमेंट्स में आएंगे आरबीसी डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स वी नो आरबीसी का मेजोरिटी में फंक्शन क्या होता है आरबीसी कंटेन करती है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच इज हीम ठीक है हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन ठीक है डब्ल्यू बीसी जो होती है हमेशा इंफेक्शन से फाइट करती है हमारे बॉडी में डब्ल्यू प्लेटलेट्स प्राइमेली आर एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑलराइट ठीक है चले तो स्टार्ट करते बच्चा फटाफट पड़ से देखेंगे या सो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड एलिमेंट्स सो प्लाज्मा

के सारे बच्चों को आना है वॉट आर शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इतना इंपॉर्टेंट रिविजन चल रहा है हाउ केन इट दिस मैं नहीं पढ़ा रही फटाफट पड़ से शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को बोला ये कौन सी बात होती है ऑलराइट right. उसके बाद हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स में जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ग्रैन्यूलोसाइट्स होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं वो ए ग्रैन्यूलोसाइट्स इसमें भी अब ए ग्रैन्यूलोसाइट्स के टाइप होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट क्वेश्चन कहां से आता है ये मैम बताएंगी मोनोसाइट्स जो होती है ये फेगोसाइटिक होती है ठीक है दिस इज फेगो

जा रही है बिल्कुल इजीली समझ आ रहा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उन्हें बताओ कि हमारा कितना सुपर अमेजिंग क्लास चल रहा है तो प्लाज्मा जैसे मैंने आपको समझाया कि स्ट्रॉ कलर्ड होता है लाइट, पेल कलर का होता है ठीक है प्लाज्मा इन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स ठीक है पहले तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस होता है ठीक है 90 टू 90 नाइनटी टू नाइनटी परसेंट वाटर होता है इसके अलावा इसके अलावा इसमें एल्ब्यूमिन होगा ग्लोबुलिन होगा एंड फाइब्रिनोजन होगा देखो फाइब्रिनोजन तो ब्लड क्लॉट करेगा ठीक है तो ये क्या है क्लॉटिंग फैक्टर ठीक है ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाइट करते हैं इंफेक्शन के अगेंस्ट और एल्ब्यूमिन हमेशा ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा क्या करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम इसके अलावा ग्लूकोस होगा अमीनो एसिड होगा लिपिड होगा ठीक है तो सुनो मैंने आप लोगों के लिए जो फॉर्म की है पीडीएफ ये जो पीपीटी इसका पीडीएफ आप लोगों को ई कर पॉइंट आप पे मिलेगा ठीक है सो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऑल राइट सो कुछ भी मत लिखो सिर्फ और सिर्फ सुनो और वापस से रिवाइज करो पी आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है बिल्कुल ईजिली समझ आ रहा है Alright. तो वॉचिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे हो देखो मैं पूरी बोन्स पूरी पूरी मसल्स पूरा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिवाइज करवाऊंगी ठीक है तो फटाफट से समझना है देखो अब मैं प्लाज्मा के कंपोनेंट्स बता रही हूं सबसे पहले तो प्लाज्मा में अभी बताया वाटर है 90 टू 92 परसेंट वाटर होता है इसके अलावा एल्ब्यूमिन होंगे जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं ठीक है सो एल्ब्यूमिन विल मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ग्लोबुलिन विल फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं

जो रिलीज होते हैं जब प्लेटलेट रैप्चर होती है और उसी से ब्लड क्लॉट होता है आरबीसी फाइव टू सिक्स मिलियन होगी ठीक है आरबीसी का मेजर काम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है मुझे तो लग रहा है कि खाना खाने गए हो अब खाना खा लिया तो वापस आ जाओ सारे बच्चे ठीक है योर फूड बिकॉज़ वाज़ द लंच टाइम बट इफ ईटन योर फूड देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इन एंड इट्स कन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल और बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा ठीक है तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को बोला तो अब हम समझेंगे ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स जैसे मैंने समझाया था मोस्ट अबेंडेंट होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स ठीक है और क्या होते हैं इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट अबेंडेंट होते हैं यही फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं मतलब कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आया तो उसको वो किल करेंगे कैसे करेंगे

ठीक है पे जाएंगे में है और साथ। साथ मैंने समझा दिया बी और टी सेल्स होते हमारे बॉडी का हाँ कंडक्ट करेंगे और मोनोसाइट्स और फेगोसाइटिक इन नेचर हमारे बॉडी के सेल्स जो भी हैं इंफेक्शियस एजेंट्स हमारे बॉडी में आए हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करेंगे बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है Easily समझ आ रहा है तो फटाफट -पट से लाइक्स बढ़ते हुए क्यों नहीं दिख रहे इजीली समझ आ रहा है तो वाचिंग बढ़ाओ समझ आ रहा है बिल्कुल इजीली परफेक्ट आगे बढ़ते लिम्फ अब लिम्फ क्या होता है ध्यान से सुनना है मैम जो समझा रही है बिल्कुल वो सुनना है और पीछे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो देख सकते हो आप और नोट्स में में प्रोवाइड देखो, जब भी कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है, तो है, है सोल्यूबल तो है, है जो छन के नीचे आएगा और वोटर सोल्यूबल थिंग्स विल कम डाउन ठीक है वो कहां जाएगी? आ जाएगी इंटस्ट्रेशल स्पेस में आ जाएंगे एंड दिस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है और इसी इंटस्ट्रेशल फ्लूड से सारा न्यूट्रिएंट का सारा, का सारा हमारी लिम्फैटिक वेसल में जाएगा और लिम्फेटिक वेसल उसे किसी एक मेन वेन में जाके ड्रेन कर देती है समझ आया तो बहुत इंपॉर्टेंट इसी इसी इंटस्ट्रिशल फ्लूड को ही हम लिम्फ बोलते हैं समझ आया तो इसी लिम्फ

बात नहीं करनी है और ध्यान से सुनते जाने हैं वॉचिंग वॉट इज रॉन्ग सारे बच्चे मैं बताती नहीं हूं तो तब तो इतने सारे आ जाते हो इस बारी मैंने बताया था थकना थकना नहीं नहीं है 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 मेरे बच्चे थकना नहीं है। करना है ना हमें तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बुलाओ ठीक है और वो बहुत ब्यूटिफुली रिवाइज होगा ठीक है नेक्स्ट और राइट तो अभी मैंने समझाया था कि सेल्स में से सी वो के नीचे आ जाएगा ठीक है सॉरी ब्लड वेसल में से सी वो के नीचे आ जाएगा सारा का सारा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहाँ आ जाएंगे इंटस्ट्रेशल स्पेस में आ जाएंगे और इंटेस्ट्रेशियल फ्लूड है इसी को हम लिम्फ बोलते हैं बिल्कुल इज़िली समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम जा रही है क्या नहीं ठीक है तो फटाफट फट आगे चले देखो यही है टिश्यू स्पेसिस यहां पे यहां पे सारा का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूड इकट्ठे हो जाएगा ठीक है और ये हमारी एक वेन में जाके ड्रेन हो जाएगा समझ आया ठीक है और राइट और राइट हाई हर्ष ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब ब्लड वेसल्स देखेंगे हम देखो ब्लड वेसल्स की अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है देखो जो ब्लड वेसल्स होती है हमें पता है दो टाइप की होती आर्टरीज आर्टरीज एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ब्लड कैरी करती ठीक है अब ब्लड वेसल्स की तीन इंटरनल लेयर्स हमें समझना जरूरी है चूने का इंटरनल जो होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर है मैंने समझाया था कि ब्लड वेसल जब अंदर से लाइन होती है सिंपल्स ियम से तो उसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एंडोथेलियम समझ आया तो ट्यूनिका इंटरना में एंडोथिलियम होगा ट्यूनिका मीडिया इज ऑफ स्मूथ इन मसल्स एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है इट विल बी अप ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है आपको क्या नहीं पता था अब समझ आ गया बिल्कुल जो नहीं पता था वो अब इजीली समझ आ रहा है ठीक है सो ये तीन हमें लेयर समझनी जरूरी है एंडोथिलियम वाली जो होती है इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल स्मूथ इनवॉल्ट्री मसल्स का बना है बिल्कुल ईजिली समझ आ रहा है ठीक है सो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी हमेशा

कोई नहीं होगा विल बी इन द वेयर एज में क्योंकि प्रेशर से ब्लड नहीं बह रहा है तो वेन्स में हमेशा वॉल्व प्रेजेंट होंगे बिल्कुल इजीली समझ आया तो अभी समझा आर्टरीज इलास्टिक वेसल्स होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करेगी एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है हमेशा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती सुपर सुपर इंपॉर्टेंट तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और लेके जाएगी वो लंग्स के पास टू गेट ऑक्सीजनेटेड तो बेटा वी से वी याद रखना एग्जैक्टली exactly कौन बोला मेरा स्टूडेंट वी से वी वेन्स में वॉल्व होता है

मतलब वाह बहुत ही बढ़िया अभी अपने फ्रेंड्स तो ये कौन सी बात होती है नो तुम थक गए हो। थकना नहीं है ये सब तो आता है ये सब तो मैंने पढ़ा है तो थकना तो है ही नहीं शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अमन आया बिल्कुल बहुत ही प्यारा बच्चा है बाकी अपने फ्रेंड्स को बुला यार ठीक है चले स्टार्ट करते हैं यार यू गाइस मिस मी फ्रॉम लास्ट लाइक अ वीक बिकॉज़ आई वाज नॉट देयर आई वाज अ लिटिल बिट बिजी मैं आ चुकी हूं अब तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को बुला ठीक है चलो तो अभी हमने देखा क्या देखा कि वेन में हमेशा वी से वी वेन में हमेशा वॉल प्रेजेंट होगा

तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी मतलब ऑलरेडी प्लाज्मा में एंटी बी के लिए एंटीबॉडी मतलब बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो अगर हमने किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को बी से एक्सपोज किया तो उसके लिए ऑलरेडी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज बना है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसके कारण क्या होगा क्लंपिंग ऑफ द ब्लड ब्लैक क्लॉट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का डेथ ऑर्गेनिज्म एनिमल का डेथ हो जाएगा समझ आया तो बहुत इंपॉर्टेंट समझना सरफेस एंटीजन के बेसिस पे किसके बेसिस पे सरफेस

मजा आ रहा 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 है, 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 है? है, है समझ समझ अभी अभी तो warm up हुआ है, अभी तो complex है, तो हुआ बहुत बहुत चीजें करके समझाएंगी, ठीक ठीक बिल्कुल ये मैंने provide करी आपको आप जो भी मैंने अभी समझाया के फॉर्म में दिया है मैंने आपको इसके अलावा मैं आपको एक आर एज फैक्टर फटाफट से समझा देती हूँ देखो आर एज फैक्टर ठीक है मेरी लाइन सबको याद है कि नहीं स्टोरी जैसे सुनो याद हो जाएगा स्टोरी जैसे सुन रहे हो थैंक यू जेन चलो पांच सेकंड चलो थोड़ी बात करूँ मैं तुमसे फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो तब तक ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल द अप्रिसिएशन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स आई रियली अप्रिशिएट ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि नहीं ऑल राइट right. चलो तो ध्यान से सुनो अब आर एच फैक्टर क्या होता है बेटा रिसेस मंकी की फैक्टर होता है 80% परसेंट एटी परसेंट में आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव होगा आर एच फैक्टर एबसेंट है तो आर एच नेगेटिव होगा समझा? अब इसमें केस इंपॉर्टेंट होता है समझना केस जो आता है हमेशा एग्जाम में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा केस आता है आर एच फैक्टर का आर एच ग्रुपिंग का कि अगर कौन बताएगा अगर मदर आर एच नेगेटिव है और बेबी आर एच पॉजिटिव है तो क्या होगा तो क्या होगा फटाफट फड़ बताओ हाँ मैंने अभी बताया एटी परसेंट में होता है बिल्कुल प्रेजेंट होता है आरएच पॉजिटिव बट इफ द मदर इज आरएच नेगेटिव ध्यान से सुनना है स्टोरी जैसे सुनना है बच्चे इफ द मदर इज आरएच नेगेटिव एंड बेबी इज आरएच पॉजिटिव तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बहुत ही चिल में आराम से हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है कोई मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं होगा थ्रू प्लासेंटा नथिंग विल हैपन फर्स्ट प्रेगनेंसी हो अब होते वक्त प्रेगनेंसी होते वक्त दे वुड बी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड तो तुरंत मदर के बॉडी में आर एच एंटीबॉडीज बन जाएंगी समझ आया ठीक है अब वो एंटीबॉडीज़ के बॉडी में बनगी बच्चा तो डिलीवर हो गया अब the the time, very, very तो अब कंसीव्स द सेकंड टाइम, वेरी वेरी तो जो एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बनी है, विल ट्रैवल फीटस में, में और जाने के बाद कंडीशन दिस कंडीशन वेरी गुड गौतम राजपूत दिस कंडीशन इज नोन एज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस दिस कंडीशन इज हाईली फेटल फॉर द बेबी समझ आ जो सेकंड बेबी अब इसे कैसे प्रिवेंट करें जैसे ही फर्स्ट बेबी आरएच पॉजिटिव है मदर आरएच नेगेटिव है फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया तभी हम मदर को एंटी आर एच एंटीबॉडीज देते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना समझ, समझ तभी हम मदर को क्या देते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देते हैं सो दैट मदर में एंटीबॉडीज नहीं रहे आर एच पॉजिटिव के लिए बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है हाय मनी हाँ अमन सीइंग योर मैसेजेस आई एम थ्रू गाइस बच्चे पढ़ाओ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मेरी नॉर्मल क्लासेस में तो आप लोग भर भर के आते हो रिवीजन क्लास है आज जो बिल्कुल आपको आना चाहिए ठीक है तो ध्यान से सुनना है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस में बेबी फेटल एबीसीस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी बेबी सफर करेगा जॉइंटिस से अनमिया से ठीक है इट वुड बी द डेथ ऑफ द बेबी समझ आया थैंक यू अश्वर्य थैंक यू सो मच बड़ा से मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग समझ लेंगे बहुत-बहुत इजी बहुत है लगी चोट जैसे ही प्लेटलेट हुई रैप्चर प्लेटलेट जैसे ही रैप्चर होगी प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना है ठीक है तो इसको सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को

फाइब्रिनोजन को एक्टिव और इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बिन। जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन fibrin में कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन जो होता है ये एक्टिव और इनसोल्यूबल होता है ऐसे ऊपर ऐसे बना देगा फाइबर्स का प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाएंगे तो क्या होगा उसमें टिश्यू, ब्लड सेल्स, आरबीसी सब आके जुड़ जाएगा क्लंप बन जाएगा एक क्लॉट बन जाएगा जिससे ब्लड जो है एक्सेसिव फ्लो रुक जाएगा ब्लड का बिल्कुल ईजिली समझ आया आपको ठीक है बेटा इंटरनल ब्लीडिंग इज हीमोरेज समझा ठीक है सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत बहुत इजी है ठीक है चलें फटाफट -फड़ से आगे बढ़ते देखो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आई मेंशन एवरीथिंग सो यू कैन रेफर दिस थैंक यू निधि शर्मा नहीं मदर को कुछ भी नहीं होगा अगर हमने एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर को दी मदर वोंट है हाँ। मतलब मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी आरएच पॉजिटिव ब्लड के लिए समझा ठीक है बिल्कुल इजीली चलो फटाफट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मुझे नहीं पता हंड्रेड वाचिंग नहीं करोगे मैं नहीं पढ़ा रही 100 वाचिंग करो चलो फटाफट ये कोई बात नहीं होती 80 पे हम हाँ आ चुके हैं और मेरे को लाइक्स तो बढ़ते ही नहीं दिख रहे लाइक का मैं टारगेट देती हूँ थ्री सिक्स सिक्स थर्टी टू हो चुका है थैंक यू अक्षय थैंक यू सो मच चलिए ओहो हो अब हाथ पे आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दूंगी बहुत इजी ऐसा ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले आप जाते हो अपने फ्रेंड्स के पास और नहीं एग्जाम पास जाने वाले हो तो कहते हो और फटाफट बता दे यार कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो देखो ऑन द टॉप ऑफ योर यू नो माइंड योर गेटिंग कुछ फटाफट बता दे यार मैं तो हमेशा ऐसे करती थी मेरे सारे फ्रेंड्स आते थे मेरे पास कहते कैसे प्लीज टेजल बता दे यार कुछ इंपॉर्टेंट मैं फटाफट बता देती थी और फिर वो कहते थे तू तूने जो बताना वही है समझ रहे हो तो ये ऐसे ही करना है मैं जो भी समझा रही हूं आपको से फुल फुल फोकस से चिल करके बैठना है और सुनना है नोट्स मैं दे दूंगी आप लोगों को तो उसकी चिंता मत करो कुछ लिखो भी मत ठीक है

वॉल्ड होते हैं समझ आए ठीक है थीके? अब फटाफट से डायग्राम देखेंगे ठीक है यूजुअली मैं पूरा डायग्राम इमेजिनरी डायग्राम बनवाती हूँ आप लोगों से मैं खुद बनाती हूँ आपको चीजें समझ आए कौन सा कहां से आ रहा है ठीक है पर अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है हमें तो हम फटाफट से देख लेंगे देखो ऑरिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ होते हैं राइट एट्रियम या ऑरिकल एंड डिवाइड होता है ऑरिकल दो पार्ट में राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट कैसे होता है कैसे divide होता है ठीक है? है? तो ध्यान से सुनेंगे बेटा right पे आती है क्या heart के जाने वाली हमेशा क्या होती है Vain. और हार्ट जाने वाली हमेशा होती है आर्ट्री तो बेटा राइट एट्रियम के टूवर्स हमेशा देखो राइट right ऑरिकल में हमेशा आएगी क्या ध्यान से देखते जा रहे हैं बच्चे बिल्कुल फुल से सुनना है जो मैम पढ़ा रही हैं तो राइट एट्रियम पे आएंगी क्या प्री ही हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा इसे हम क्या बोलते हैं सुपीरियर इसे हम एंटीरियर वेना कावा भी बोलते हैं ठीक है और ये लेके आती है डी ऑक्सी ब्लड कहां से, से. समझ आया ठीक है अब इस पे, पे हमेशा सवाल होता है ठीक है ऑलराइट वॉल पे हमेशा क्वेश्चन आता है दैट वॉल कौन सा प्रेजेंट होता है यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हेवर्शन वॉल समझ आ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे यहाँ पे हेवर्शन वॉल प्रेजेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एट्रियम में ही आएगी क्या पोस्ट कैविल और हेवर्शन वॉल जो होता है ये एब्सेंट इन रैबिट है रैबिट में क्या होगा ये ये एब्सेंट होगा ठीक है Post बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट कैवल राइट एट्रियम आएगी ठीक है Post को हम inferior vena भी बोलते हैं. ये लेके लेके आएगी body से. Deoxy blood से ले आएगी? Body से ले आएगी. से. से से लेकर और यहां पे होता है eustachian. Eustachian wall, है? ठीक और राइट right एट्रियम पे आते coronary sinuses. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है coronary साइनेसिस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे फ्रॉम द हार्ट ऑल राइट सो डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम हार्ट ठीक है यहां पे प्रेजेंट होता है थ्यूबेशन यहां पे क्या प्रेजेंट होता है थ्यूबेशन वॉल्व बिल्कुल इजीली समझ आ रहे कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा ठीक है right. तो अब जो राइट right एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ट्राइकास्पट वॉल प्रेजेंट होता है ठीक है बिटवीन राइट एट्रियम एंड मैंने क्या बोला राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिट वॉल प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल वॉल प्रेजेंट होता है 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 बिल्कुल इजीली इजीली आपको समझ समझ आ आ रहा ठीक अब अब मैंने पढ़ा दी बहुत ध्यान से देखना मैंने सारी प्री कैवे बता दी पोस्ट कैवल बता दी कोरोनरी साइनसिस बता दी अब लेफ्ट एट्रियम पे आती है बेटा पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन में कोई वॉल नहीं होते क्योंकि वो ओब्लिक ओपन होती है अंदर ठीक है लेफ्ट एट्रियम के हार्ट से बाहर जा रहे

राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम सब बता दिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सब इजीली आपको समझ आ रहा है ठीक है अब ध्यान से देखना देखो हार्ट में स्पेशलाइज टाइप के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो हम एट्रियम में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ऐसे नोड जो होता है साइनो आटेरियल नोड ठीक है ये एक स्पेशलाइज टाइप का नोडल टिश्यू है ये अपने खुद के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है

एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास यहां पे एवी नोड प्रेजेंट होता है एवी नोड से बहुत सारे बंडल में फाइबर्स ऐसे निकलते हैं ठीक है इनको क्या बोलते हैं ये बंडल्स होते हैं एवी नोड से इन्हें हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बंडल्स होते हैं इन्हें बंडल ऑफ हिस बोलते हैं बंडल ऑफ हिस अगेन

बंडल ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस से कहा जाएगा पर्किंजे फाइबर्स बंडल ऑफ हिस से कहा जाएगा पर्किंजे फाइबर्स समझ आया ठीक है देखो एक एट्रियम में भी फाइबर्स होते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्प्रेड करने उन्हें बेशमेन फाइबर्स बोलते हैं बिल्कुल इजीली समझ आ गया ठीक है अब ध्यान से देखो वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स थोड़े थिक वॉल होते हैं वेंट्रिकल में स्पेशलाइज टाइप के मसल्स होते हैं जिन्हें हम पेपेलरी मसल्स बोलते हैं ठीक है तो वेंट्रिकल में ऐसे पेपेलरी मसल्स ना बहुत इनफोल्स बनाती हैं और उन इनफोल्स को बेटा हम कोल्यूमनी कॉर्नी बोलते हैं ये याद रखना है वेंट्रिकल्स में ऐसे इनफोल्स बनेंगे पेपेलरी मसल के इसे हम बोलते हैं कोल्यूमनी कॉर्नी

जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा पेप, जो पेपिलरी मसल्स हैं ठीक है तो कॉलियम निकॉर्नी से खींच के कॉर्डा कॉलियम निकॉर्नी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉर्डा टेंडिन खींचेगा वॉल क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है अब मैं आपको क्वेश्चन पूछो आई हैव नॉट सीन योर क्वेश्चन ठीक है चलिए फटाफट से आगे बढ़ते ये फटाफट से देखो आप कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कौन सा डीऑक्सी ब्लड कैरी करता है ये आपको अभी समझ आ जा जाएगा अभी मैंने समझाया चले आगे बढ़ते वाह अब कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल बहुत इजी है समझना कार्डियक साइकिल समझाओ उससे पहले अपने फ्रेंड्स को बुलाओ मुझे नहीं पता ठीक है आपको इजीली समझ आ रहा है मैं बहुत डेप्थ में भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि रिवाइज करना ऐसे थोड़ा मैं उड़ाऊंगी कुछ भी नहीं ठीक है हमने फ्रेंड्स को बोला फ्रेंड्स देखो कार्डियक साइकिल इतना इजी है मैं इतना अच्छे से इतना बहुत इजी करके समझाऊंगी तो फटाफट हमने फ्रेंड्स को बोला ठीक है ऑलराइट right. चलो तो अब कार्डियक साइकिल मतलब ये वो साइकिल है जिसमें हार्ट हमारा रिदमिकली ब्लड को पंप करता है कैसे हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है और ब्लड कैसे हार्ट से जा रहा है कैसे ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना ठीक है right? ध्यान से सुनेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा है सेवनटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट इज द हार्ट बीट ठीक है ध्यान से सुनो अब हमें कार्डियक साइकिल में क्या इमेजिन करना है कार्डियक साइकिल में हमें ये इमेजिन करना है कि अब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में तो बेटा हमेशा कॉन्ट्रैक्शन को हमेशा कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल

सैग्स रहा तो इस पॉइंट पे क्या होगा इस पॉइंट पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुले होंगे पर सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे ठीक है जैसे ही ब्लड भर जाता है ऐसे ही नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा पहली बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल होगा वो एट्रियम ब्लड को मतलब एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को पुश करेगा कहां पे वेंट्रिकल में पुश करेगा ब्लड 30% क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का ध्यान से कि 30% ब्लड सप्लाई एट्रियम से वेंट्रिकल में इंक्रीज हो जाता है जैसे ही फाट वेंट्रिकल में ब्लड इंक्रीज होगा आप क्या होगा फटाफट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस पॉइंट पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे बेटा तब तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है जैसे ही एट्रिया अब रिलैक्स करे ठीक है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर वेंट्रिकल ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया

बिल्कुल इजीली समझ आ ठीक है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बाइकस पे ट्रैकस पे खुलेगा ठीक है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सेमी लूनर खुलेगा वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के टाइम सेमी लूनर बंद हो जाएगा इजी पीजी लेमिनस क्वीजी सबको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक पॉइंट पे एट्रियम एंड वेंट्रिकल विल रिलैक्स टुगेदर एंड दैट कंडीशन इज नोन एज जॉइंट एटरिओस्टोल क्या मास्टर रिवाइज हो रहा है कि नहीं कौन बताएगा मुझे इजीली रिवाइज हो रहा है सबको अच्छे से समझ आ रहा है ठीक है ठीक right. है चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम हाँ तो अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी एक चीज कि हमारा हार्ट है सेवेंटी टू सेवेंटी टू पर मिनट इस हिसाब से हमारा हार्ट बीट करता है हर बार वो सत्तर एम ब्लड निकालेगा तो उस हिसाब से क्या होता है सेवन सेवन फोर्टी नाइन तो फाइव थाउजेंड एमएल जो होता है हमारा स्टोक वॉल्यूम होता है ये या हमें याद रखना है ठीक है बिल्कुल इजीली इजीली समझ आ गया ठीक है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ठीक है ऑल राइट तो आगे बढ़ते हैं हम हां तो साउंड के बारे में बता देती हूं लव साउंड बाय द क्लोजर ऑफ बाय का स्पीड एंड ट्रैक एंड डब बाई द्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है ऑल राइट चलो अच्छा 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 अब को आपको समझाना है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखो ये इसमें हमेशा PQRS, T पे हमेशा पी वेव पे क्वेश्चन आता है यही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है हमारे लिए तो बहुत है समझना देखो हमारा हार्ट जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट हो रहे हैं हमारे हार्ट में ये रिकॉग्नाइज हो सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हम ग्राफ बना सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है रिकोगनाइज करता है इलेक्ट्रोड हम हमारे बॉडी पे फिक्स करते और वो कैच करते इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस समझ आ तो बहुत इजीली समझ रहे देखो वेव्स हमें क्लियरली विजिबल होती है पी क्यू आर एस और टी वेव तो पी जो होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बताएगी ठीक है क्यू आर एस वेंट्रिक्यूला कॉन्ट्रैक्शन बताएगी एंड टी वेव वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन ठीक है सो पी क्यू आर एस और टी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है पी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्यू आर एस एंड टी वे वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन समझ आ रहा है ठीक है और राइट right. देखो हमारा हार्ट बाय द क्लोजर अमन हम हमारा हार्ट सी लव साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोजर ऑफ बाइक एंड ट्रैक आस्पेट वॉल डब साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनो वॉल बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है लब जो होता है शार्प होता है लास्ट लॉन्ग नहीं करता है ये फीबल होता है कम होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है डब समझ आ गया ठीक है

ठीक है अब फटाफट से देख लेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट है देखो डबल सर्कुलेशन अब इसमें मैं ट्रिक बताती हूँ समझने की ठीक है ऑलराइट चलो फटाफट फटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो पर तो अब तो मुझे वाचिंग चाहिए जो भी खाना खाने गए थे वापस आ चुके हैं ठीक है एक चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सक्रीशन से बहुत एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हंड्रेड वॉचिंग चाहिए मुझे नहीं पता फर्ट आईन हंड्रेड वॉचिंग गाइज सुबह तो बहुत आ गए थे तुम हम्म देखो तो डबल सर्कुलेशन मतलब देखो हमारे हार्ट में दो बारी ब्लड आना एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना एक तरफ डी ब्लड आना यही डबल सर्कुलेशन होता है ये फॉलो मतलब सॉकेट कैसे फॉलो होते हैं इसमें दो टाइप के सॉकेट होते हैं एक पल्मोनरी सॉकेट होता है एक सिस्टेमिक सॉकेट होता है तो बेटा पल्मोनरी वर्ड जब भी आए ना तो वो लंग से कोरिलेशन है उसका तो पल्मोनरी सर्किट कहां से चालू होता है बेटा पल्मोनरी सर्किट हमारा राइट वेंट्रिकल से शुरुआत होगी उसकी कि वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएंगी लंग्स के पास लंग से ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन लेकर आएंगी उसको लेफ्ट एट्रियम के पास और ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्किट बिल्कुल इजीली समझ आया

बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है तो यही पल्मोनरी सॉकेट और समझ आया करना है right से होगा. कहां तक जाएगा लेफ्ट एट्रियम तक सिस्टेमिक सॉकेट uh, जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा राइट right एट्रियम पे जाएगा हमारा डबल सर्कुलेशन इज ओनली वेन द ब्लड इज गेटिंग इन साइड द हार्ट लिव द हार्ट वाइस बिल्कुल ईजिली समझ आ रहा है ठीक है

क्या रिलीज करेगा सिम्पैथिन और बेटा जो सिम्पैथिन होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का समझ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एफ, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और ये क्या करते हैं ये तुरंत तुरंत तुरं अब एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन क्या है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है फटाफट से क्या इंक्रीज करेंगे कैल्शियम आयन इनफ्लक्स इंक्रीज करेंगे हमारे हार्ट में और हार्ट बहुत तेजी से बीट करने लग जाएगा इंक्रीज हार्ट बीट हो जाएगी कंडीशन टैकी कार्डिया ठीक है समझ आया बहुत इजीली समझ आया इसको नॉर्मलाइज करता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व रिलीज करेगा एसिटाइल एसिटाल और एसिटाइल एसटालकोलिन क्या करता है बेटा कॉन्ट्रेक्शन रेट रिड्यूस कर देगा हार्ट का समझ आया तो एसिटाइल एसिटाल वुड रिड्यूस द कॉन्ट्रेक्शन रेट ऑफ द हार्ट तो नॉर्मलाइज हो जाएगी हार्ट बीट कम होने को हम ब्राडी कार्डिया बोलते कंडीशन बिल्कुल इजीली तो समझ आ रहा है यार हंड्रेड नहीं ला पा रहे हो तुम लोग ऐसे सामी वेर आर ऑल माय ट्रस्ट ट्रस्टी स्टूडेंट्स कैसे कैसे आई I मीन mean, इतना धोखा <laughs> चुपचाप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये कौन सी बात होती है सी यू आर नॉट लेट यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन बट यू शुड कम लाइव नो मैम मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूं मैम लाइव डिस्कस कर रही हैं चीजें आपसे फिर भी नहीं आते फटाफट फड़ से डिसऑर्डर्स डिस्कस करते चलो ठीक है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ठीक है आवर 100 व्हाट आई वाज डूइंग चलो तो फटाफट फड़ से डिस... सबसे पहला डिसऑर्डर देखते हैं देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो होता है सीवियर सीवियर हार्ट एक मतलब दिल का दर्द <laughs> तो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा हार्ट मसल में ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आया ये कब होता है ओल्ड एज में ठीक है बहुत सीवियर हार्ट होगा हार्ट पेन होगा ठीक है ओल्ड एज वाले पीपल को होगा सीवियर हार्ट पेन एक ठीक है समझ आया तो आप लोग जो कहते हो दिल का दर्द वो गलत है आपको कोई नहीं हो रहा है दिल का दर्द ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आए ठीक है हार्ट फेलियर क्या होता है ध्यान से सुनना है कंजस्टिव हार्ट फेलियर ठीक है तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर मतलब सिंपल है हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का काम क्या है बेटा ब्लड को पंप करना तो व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इन अ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है कि बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है तो हार्ट फेलियर होगा मोस्टली कैड होता है विच इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहां गया भाई ठीक है सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो मैं बता दूंगी ध्यान से देखना हार्ट फेलियर मतलब व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है फिर से क्यों दिया हुआ है समझा चुकी हूं ठीक है समझो ध्यान ध्यान से से क्या होता है ध्यान से देखना हार्ट मतलब जब हार्ट के एकदम फंक्शन करना बंद कर दें बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई हार्ट अटैक में क्या होगा मसल्स डोंट फंक्शन बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है लेस ब्लड सप्लाई के कारण मसल्स बिल्कुल फंक्शन नहीं करेंगे हार्ट के तो क्या होगा हार्ट अटैक होगा ध्यान से समझ आए ठीक है कार्डिया करेस्ट हार्ट अटैक डिफरेंट होता है बेटा हार्ट अटैक अभी समझाया कि मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगे ठीक है बिकॉज ब्लड सप्लाई इनफ नहीं मिल रहा है कार्डिया करेस्ट मतलब वेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग वेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग तो एकदम से हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया तो होगा कार्डियाक अरेस्ट और कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब कैड होता है जब क्या हो रहा है ध्यान से देखना कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब होता है एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस जब हमारी आर्टरीज क्लॉग हो जाएंगी जब हमारी आर्टरीज में क्लॉट आ जाएगा बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल हो सकता है फाइब्रॉयड हो सकते हैं बहुत सारे रब टिश्यू बिल्कुल इज़िली समझ आ रहा है ठीक है हाय हाय साक्षी सिंह हु चले तो फटाफट फट ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया आप लोगों को हाउ डिड यू गाइस लाइक द रिवीजन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें एवरीथिंग आई हैव कवर्ड ठीक है तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा कोलेस्टेरॉल फैट के कारण रप्चर टिश्यू के कारण ब्लॉक हो जाएगा ठीक है समझ आया तो अगेन क्या होगा इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट की तरफ बिल्कुल इजीली समझ आ गया

थोड़ा दो सेकंड इंटरैक्ट करते फिर चाल। चालू करेंगे ठीक है रिविजन तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो फिर हम्म एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड चलो देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन जो भी हमारे बॉडी में

अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ठीक है तो अब ध्यान से देखते जाएंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी हमारी बॉडी बॉडी में सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट करती है इन इंदुफॉर्म आप सबसे पहले निकालती है अमोनिया बनाती है हमारी बॉडी इसको क्या हो जाता है ठीक है तो जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अमोनिया को ना बॉडी से निकलने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है तो वो अमोनोटेलिक जो होते हैं दूसरे टाइप के यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में अमोनिया जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया कहा जा रहे हो आप

करके रख लेगी तो क्या होगा उससे मीडियम बन जाएगा जाएगा सारा सारा का सारा शरीर का शरीर पानी पानी और ब्लड ब्लड से पानी सब बाहर नहीं चला जाएगा। समझ तो यूरिया हमेशा कार्टिलेजिनस बेटा अमोनिया कैन नॉट बी रिटेन लिटिल बिट ऑफ यूरिया कैन करते हैं बिल्कुल एजी और एजी समझ है? और होते है है? यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक जो होती है वो होती है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वो मुख्याक्ट आउट करेंगे यूरिक एसिड और ये होते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है चलो फटाफट बिल्कुल इजीली समझ आए और तो कुछ एग्जांपल्स एनसीआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझ बेटा विदाउट प्रोटोन एफ्रिड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझा चुकी हूं प्लैटी हेलमेट रोटरफॉल्स

आउटर पार्ट जो होता है किडनी का वो होता है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो होता है वो होता है मेडुला सो आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स और इनर पार्ट होता है मेडुला ध्यान से देखना जो पार्ट कॉर्टेक्स का अंदर मेडुला तक कंटिन्यू होता है ये बनाएगा यहां पे रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी जो मैं आपको आगे के डायग्राम में दिखाती हूं तो ये ध्यान से देखना देखो किडनी की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा छोटा सा नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है देखो ऐसा इन इनवर्ड्स ऐसा तो नॉच जैसा जो स्ट्रक्चर होता है हम हाइलम बोलते हैं ठीक है यहाँ से रीनल आर्टरी एंटर करेगी रीनल वेन निकलेगी और नर्व्स एंटर करेंगी, करेंगी किडनी में ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है तो अब हम किडनी का डायग्राम बहुत डेप्थ में देखेंगे देखो अभी अभी समझाया फाइब्रस कैप्सूल होती है

गैलेक्स सब ओपन होंगे रीनल पेल्विस में समझ आया रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाएगी यूरिन यूरेटर से जाएगी यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीटा हो जाएगी यूरिथ्रा वहां पे स्पिंक्टर है बाहर हो जाएगी समझ आया बिल्कुल इजीली समझ आया तो बेटा अब मैं नेफ्रॉन का डायग्राम डायग्राम तभी तो मैं दिखाऊंगी आपको समझाऊंगी बट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि हमारे हमारे जो नेफ्रॉन्स होते ठीक है हमारे नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते वन मिलियन प्रेजेंट होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी होती है हमारे जो होता है, बोमेंस, होता है, उसे हम मेलफिजन बॉडी बोलते हैं ध्यान से देखना ग्लोमेरुलस अब ये क्या होता है मैं समझा दूंगी ग्लोमेरुलस बोमैंस कैप्स्यूल ठीक है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैलफ्यूज बॉडी ठीक है तो बेटा और बीसीटी डीसीटी बेटा ये सारा का सारा कॉटेक्स रीजन में होता है बाहर की तरफ ऐसे इमेजिन करो कि पूरी मेल्फ्यूजन बॉडी बाहर की तरफ होती है और जो लूप ऑफ हेनली होता है ठीक है Body, PCT, DCT, और loop of अंदर आ जाता है कहां पे कहाडला की तरफ बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है। तो cortical nephrons, वो टाइप के nephrons होते हैं जिसमें है? में लॉन्ग नूपली होता है जो अंदर तक जा रहा है मेड्यूला तक जा रहा है बिल्कुल समझ है, है? अब ध्यान से देखेंगे डायग्राम देखो अभी समझा मेलफ्रिजन बॉडी क्या होती है

ठीक है सब कुछ छन के नीचे चला जाएगा जो लार्ज मोलिक्युलर साइज जो लार्ज मोलिक्यूलर वेट के होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है वो प्रोटीन स्पेसिफिकली वो इफरेंट आर्टेरियल से बाहर चले जाएंगे इफरेंट विल लूप अराउंड आर्टेरियोल लूप होगा पूरा का पूरा जाएगा वो ऑफ हेनली के अराउंड ऐसे घूमेगा ये बनाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, है। पूरा घूमता है देखो पीसीटी डीसीटी के अराउंड और इसे हम क्या बोलते हैं वासर एक्टी बिल्कुल समझ आ रहे कोई दिक्कत इतने कम बच्चे हो गए कैसे कर रहे हो तुम लोग वॉट वॉट आर यूज डूइंग्स वॉचिंग बढ़ाओ कैसे कैसे मैं मानूंगी तुम्हें अच्छा लग रहा है जो मैम पढ़ा रही है फटाफट पट से वॉचिंग बढ़ाओ मैं पानी पी रही हूं तब तक वॉचिंग बढ़ाओ एम ए मैम वेरी वेल थैंक यू चलो तो ध्यान से देखेंगे बेटा अब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी देखो ग्लो मैंने अभी समझाया कि टफ टफ कैपिलरीज बनाता है ठीक है अब क्या होगा फिल्ट्रेशन कैसे होगा इसमें क्रिस्टल क्लियर देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे पहला मैकेनिज्म होता है कैसे होगा तो ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम होता है

ठीक है तो फटाफट फड़ से आगे बढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझेंगे ठीक है बहुत इजीली समझो बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म होता है सबसे पहला, सबसे पहला पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्योंकि अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कैसे प्रेशर में ब्लड आएगा तभी वो फिल्टर होके नीचे जाएगा अगर हमारा ब्लड प्रेशर सही नहीं है तो हमारा जीएफआर सही नहीं होता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है तो टोनली डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे ब्लड प्रेशर में अरे छन के नीचे चला जाएगा ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया पोडोसाइट्स पोडोसाइट्स अरेंज करते सेवन टू एट नैनोमीटर डायामीटर के होते हैं वो इतना छोटा फिल्ट्रेशन स्लेट बनाएंगे ठीक है ठीक है यूरिन साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्मेथिन साइकिल मत करो छोड़ दो ठीक है मत करो उसकी कोई जरूरत नहीं है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सबसे पहला मैकेनिज्म होगा अब सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन तो बेटा रीअब्जॉर्प्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रीअब्जॉर्प्शन स्पेसिफिकली होता है पीसीटी और डीसीटी में तो डीसीटी में तो मैं समझाऊंगी आपको कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में मैं बात करूं एक्टिव तरीके से होगा रीएब्जॉर्प्शन पैसिव तरीके से होगा तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में अमीनो एसिड्स रीएब्जॉर्ब होते हैं अमीनो एसिड्स के साथ बहुत सारे बहुत सारे सोडियम आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोस सो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होता है क्वेश्चन आता है एक्टिवली क्या रीएब्जॉर्ब होता है सोडियम ग्लूकोस

ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे। selective secretion में K+, H+, और अमोनिया ये ये तीन चीजें होंगी तीनों होगा। का सोल्ट वाटर कॉम्पोजिशन आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होगा सिलेक्टिव सिक्रीशन बिल्कुल ईजिली समझ आ रहा है ठीक है सो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ अब्सॉर्ब हो जाएंगे रीअब्सॉर्ब होंगे पीसीटी डीसीटी अब डीसीटी की मैं बात करती हूं ध्यान से सुनना डीसीटी में कंडीशनल में मैं फंक्शन ऑफ टिब्यूल समझा रही हूं डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है आप बोलेंगे ना कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्या आता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है सो so, एडीएच के इन्फ्लुएंस में सॉल्ट अब्जॉर्ब होगा बहुत सारा पानी भी अब्जॉर्ब होगा बेटा एंटी कान खोल के सुनना है बच्चे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एडीएच के इन्फ्लुएंस में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में और जो कलेक्टिंग ट्युब्यूल होती है वो भी एडीएच के इन्फ्लुएंस में वाटर रीएब्जॉर्ब करेगी बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है अब सारे फंक्शंस आप पढ़ सकते हो मैम ने ये पूरा का पूरा समझाया हुआ है वही लिखा हुआ है यहां पे देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है जीएफआर क्या होता है देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब कि कितना फिल्ट्रेट पास आउ, पास आउट हो रहा है किडनी से या नेफ्रॉन से कितना फिल्ट्रेट जा रहा है पर मिनट उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं समझ आया ठीक है ठीके? तो ऑन एन एवरेज जो है हमारा 11 अंडर से 12 ml ब्लड फिल्टर्ड होता है पर मिनट तो हमारा जीएम और ये ये क्या है ये 1/5th है ऑफ द टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है ठीके? देखो मैंने आपको अभी समझा दी थी कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स एंडोथिलियम होता है इस ग्लोमेरिलिस का बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन बोमेंस कैप्सूल एंड एंडोथेलियम एंड बोमेंस कैप्सूल का सिंपल एपिथिलियम होता है इससे फिल्ट्रेशन होता है बिल्कुल इजीली समझ आए ठीक है तो अब ध्यान से सुनेंगे देखो हमारा जीएफआर ये भी समझा दिया है पोडोसाइड स्लिट पोज भी समझाया, फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी समझाया, बिल्कुल इजीली। तो मराठी जीएफआर है 125 मल पर मिनट बनता है, इसके हिसाब से तो 180 लीटर्स पर डे हम यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, पर हम करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 99% रीआब्शेप्शन हो जाता है, 99% जो है सब कुछ स्पेशली वाटर पीसीटी डीसीटी में कंडीशनल डीसीटी में कंडीशनल पीसीटी में रीअब्सॉर्न वाटर का लूप ऑफ लूपली में हो, जा, हो जाएगा हम वन टू वन वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर यूरिन पास ऑन करेंगे पर डे समझ आए तो जैसे ही जीएफआर हमारा रिड्यूस होता है हमारा किडनी का एक बिल्ट इन मैके ठीक है हमारा किडनी का अपना खुद का एक मैकेनिज्म होता है जो काम करता है ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ही हम बोलते हैं जेजी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है इट फॉर्म्स ये बनता कैसे डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल के मिलने से

चलो तो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको समझा चुकी हूँ अभी पीसीटी डीसीटी में एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी समझा दिया ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम आयन सब एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है ठीक है बेटा निधि जे जी इज जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ये बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल समझा

होना चाहिए वहां पे सेल्स है सिक्रीशन है तो क्यूबॉडल सेल्स प्रेजेंट होते तो ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है तो रीअब्सॉप्शन तो, री तो होगा ही वहां पे पर आयंस रीअबॉर्प्शन होंगे सिक्रीशन भी होगा के प्लस एच प्लस एच और अमोनिया का बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है। मैंने अभी आपको brush border cells होते हैं, HCO3 सिक्रीशन करेंगे ठीक है। अब से हम बात करेंगे लूप ऑफ एनली उसकी हमें बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है समझने की ध्यान से देखना

समझ आया बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है डीसीटी में अभी बात करी मैंने कंडीशनल रीअन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच बिल्कुल इजीली सीटी जो कलेक्टिंग ट्रिब्यूल होती है देखो ये लूप ऑफ एनली है लूप ऑफ एनली में जो डिसेंडिंग लिम होता है ये असेंडिंग थोड़ा सा मोटा होता है ये डिसेंडिंग लिम हमेशा पानी को बाहर जाने देगा दिस इज डिसेंडिंग लिम दिस इज असेंडिंग लिम वाटर को बाहर जाने देगा पर्मिएल होगा वाटर अगर सोडियम और क्लोराइड एक बार अंदर चले गए तो वो बाहर नहीं आ सकते तो ये descending limb permeable हो जाएगा sodium chloride ions के लिए Ascending से sodium chloride ions, Na और Cl बाहर आ सकते फंक्शन ऑफ में इसलिए समझा रही हूँ कि अभी मैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म समझाने वाली हूं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना समझ आया थाउजेंड लाइक्स से से हमें तो ध्यान सुनेंगे। अब sodium and chloride, आ जाएंगे बाहर ठीक है असेंडिंग लिम वुड बीबल फॉर सोडियम एंड क्लोराइड सीटी की मैं बात करूं जो कलेक्टिंग ट्रिब्यूल होती है ध्यान से देखना तो उसमें से वॉटर होगा।

थैंक यू रोहित कुमार ठाकुर थैंक यू सो मच ऑलराइट आई एम सो हैप्पी ऑल माय स्टूडेंट्स हैव थैंक यू 1 घंटा हो गया इनको पढ़ा के डेढ़ घंटा सोर्ट ऑफ आ गए हो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पॉइंट थैंक यू गाइस थैंक यू चले स्टार्ट करें अब हम समझेंगे ओ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन सेजल मैम ने पढ़ाया और आपको समझ नहीं आया तो कैसे होगा तो अब हम सबसे पहले फुल जोश चाहिए मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सबको बुलाओ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक्स बढ़ा ठीक है बच्चा गेमिंग यू आर लेट इट्स ओके वी हैव ऑलरेडी डन विथ वन चैप्टर हम दूसरे चैप्टर के भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है फिर हम अगेन मसल बहुत इंपॉर्टेंट है मसल और मूवमेंट एंड लोको मोशन ठीक है चलो सारे फ्रेंड्स को बुला लिया order. अभी समझाऊंगी रास रास भी अभी समझाऊंगी देखो तो सबसे पहले ऑफ़ ऑफ़ यूरिन कोई हम काउंटर करंट बोलते मेरे बच्चे

ठीक है और हो रहा है लूप ऑफ हेनले और होता है सीटी में कलेक्टिंग ट्रिब्यूल इसके बारे में लास्ट में देखेंगे फटाफट -फड़ से सबसे पहले वास्टी के बारे में बात करते हैं अभी समझाया था नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर सुंदर सा मैं बना देती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए ठीक है ये तो हमारा ग्लोमेरिलस था टफ कैपिलरीज ये एफरेंट आर्टेरियोल है बन भी रहा आर्टेरियोल है, ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आया ये पीसीटी है ये लूप ऑफ़ फेंडली ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग ट्रिब्यूल ठीक है ध्यान से <laughs> ओके बहुत ही वन वी ट्राइड मैम थोड़ा सा थक <laughs> ठीक है चलो स्टार्ट करते तो बेटा वासा रेक्टी मैंने आपको समझाया वासा रेक्टी क्या होती है इफरेंट आर्टेरियल निकलेगा इफरेंट आर्टेरियल जैसे ही निकलता है वो घूमता है अराउंड लूप ऑफ हेनली पूरा का पूरा ठीक है और इसे हम ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं और यही वासा रेक्टी बनाता है तो हम एक आम देखेंगे वासा रेक्टी की एक आम देखते हैं हम वासा रेक्टी देखो ये वन आम है घूम रहा है पूरा वन आर्म ऑफ वाशर एक्टिव ठीक है तो बेटा जो वन आर्म है इसमें ये पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है मेड्यूला एक सेकेंड चल नहीं रहा? ये पार्ट पार है मेड्यूला और ऊपर का पार्ट है कॉर्टेक्स समझ आ ठीक है डायग्राम अभी खत्म हो चुका है डायग्राम है नहीं बना रही

Na और Cl minus enter कर जाएंगे और जो आम towards cortex जा रही है उधर से exit कर जाएंगे Na और Cl minus समझ आया ठीक है सो सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो आम नीचे की तरफ जा रही है मेड्यूला की तरफ वहां से घुस जाएंगे एक आम में वासर एक्टिंग और जो आम सोडियम एंड और सोडियम एंड क्लोराइड जो आम ऊपर कॉटेक्स की तरफ जा रही है वहां से बाहर हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल समझा, ठीक है हाय ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम एंड क्लोराइड मेड्यूलरी रीजन पे रह जाए ज्यादा से ज्यादा सोडियम एंड क्लोराइड आयंस मेड्यूला पे रह जाएंगे सो so दैट

सारा का सारा पानी हमेशा हाइपो से हमेशा हाइपर से हाइपोटोनिक मीडियम में पानी चला जाएगा तो ध्यान से देखेंगे लूप ऑफ़ हेनली ये डिसेंडिंग आर्म है लूप ऑफ़ हेनली का एंड दिस इज असेंडिंग आर्म ठीक है तो ये हमेशा पर्मिएबल होगी वाटर के लिए दिस इज ऑलवेज पर्मिएबल फॉर वाटर और सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस सीएल माइनस एक बार डिसेंडिंग लिम में चले गए तो इम हो जाते हैं ठीक है बाहर आने के लिए सो so दैट यहां मेड्यूला में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सोडियम एंड क्लोराइड का मेंटेन रहे असेंडिंग लिम वुड ऑलवेज बी परमिएबल फॉर एनी प्लस And CL so, आप क्या होगा? Medulla में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा में कॉन्सेंट्रेशन जो होता है यहां पर मेड्यूला में बहुत ज्यादा विच इज ट्वेल्व हंड्रेड मॉसमोल पर के जी ठीक है और कॉटेक्स रीजन में होता है थ्री हंड्रेड मौसमोल पर के जी समझ क्यों हो रहा है क्योंकि हमेशा वॉटर फिल्टर होना वॉटर हमेशा आना चाहिए फ्रॉम हाईपो टू हाईपर टोनिक हमेशा हमेशा पानी कहा कमी है पानी हमेशा वहां ट्रेवल करेगा बिल्कुल सो हाइपो से हाइपर टोनिक में वॉटर जाएगा जिस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन जिस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये मैकेजम हो रहा है सोडियम एंड क्लोराइड आय विल बी रिटेन इन द मेड्यूलरी रीजन ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आया और सीटी जो है कलेक्टिंग ट्रिब्यूल इट विल बी ऑलवेज परमिएबल द कलेक्टिंग विल ऑलवेज बी परमिएबल फॉर वाटर अंडर द ऑफ एंटी डायटिक हॉर्मोन और यहाँ पे यूरिया रिटेन हो जाएगा सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा यहाँ पे के प्लस एच प्लस एंड अमोनिया बिल्कुल समझ आ रही गाइस अपनी बातें बिल्कुल बंद करनी है और जवान समझारिए वो ध्यान से सुनना है ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आ गया तो तीन जगह मैकेनिज्म हो रहा है ये ठीक है हम लोग वी आर एबल टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन हम हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं क्यों कैसे जो सोडियम और क्लोराइड आयन्स होते हैं उसे हम मेडुलरी रीजन में रिटेन करके रख देते हैं जैसे मेडुलरी रीजन में हम उसे रिटेन कर देंगे अपने आप पानी जो है वो बाहर आ जाएगा फ्रॉम हाइपो टू हाइपर ठीक है है पे पे पानी पानी कम से बहुत ज्यादा है वहां से जहां पानी कम है वहां वह पानी, वह पानी, वह पानी ट्रेवल कर जाएगा समझ आया फ्रॉम हाइपर टू हाइपो बिल्कुल इजीली समझ आया कोई दिक्कत कोई परेशानी इसको समझने में फटाफट फड़ मुझे बताओ चलिए right, तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ समझ आ गया। पूरा समझा दिया दिया मैंने। में 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 होता 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 है, सीटी में होता है, में है। है पढ़ लेना जाएगा। सीधे हुआ कि में 300 मॉसमोल होगी और मेडुला में 1200 हंड्रेड बेटा मेडुला और कॉर्टेक्स मॉसमोल क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ सोल्ट वॉट इज मॉसमोल थ्री हंड्रेड मॉसमोल और मेड्यूला में, में 1200 हंड्रेड मॉसमोल ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स को बुला सेवन हंड्रेड थाउजेंड लाइक्स

प्लस एफरेंट आर्टेरियोल डीसीटी प्लस एफरेंट आर्टेरियोल डीसीटी के सेल्स बताया मैक्यूला डेंसा बिल्कुल समझा। ठीक है और एफरेंट आर्टेरियोल मिलकर बनाएंगे यहां पे स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जेजी सेल्स बिल्कुल इजीली समझ आया रिलीज करेंगे रेनिन ठीक है ऑलराइट और इसको रास पाथवे को रेनिन एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम

फटाफट right? तो पड़ से पूरा सिस्टम समझेंगे जैसे ही ग्लोम फिल्ट्रेशन रेट कम होगा वो नोट्स है आपके और ये मैं आपको समझा रही हूँ तो आप रेफर कर सकते हो जैसे ही आपका जीएफआर जैसे ही काम हुआ जेजी सेल्स एक्टिव हो गए जेजी सेल्स ने रेनिन रिलीज किया बेटा रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन जो, जो ब्लड में होता है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में एंजियोटेंसिन 1 अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एंजियोटेंसिन

पतली हो जाएंगी पास पास हो जाएंगी पतले पाइप में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है ठीक है तो जैसे ही बीपी इंक्रीज होगा हमारा जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा ठीक है वेरी नाइस nice. अब क्या होगा ध्यान से देखना एंजियोटेंसिन टू जो होता है एक और अल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट कर देगा अल्डोस्टेर जो होता है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मिनरलो मिनरलोटिकॉइड है इसके बारे में मैं में मैं एंडोक्राइन बात करूंगी क्या करता है सोल्ट इंक्रीज कर देगा जैसे ही सोल्टॉर्शन इंक्रीज हो जाएगा ब्लड थिक हो जाएगा अगेन प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट तेजी से ब्लड पंप करेगा बीपी इंक्रीज होगा जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मलाइज हो जाएगा GFR जैसे ही इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा तुरंत तुरंत जैसे ही अब क्या होगा हमेशा हार्ट कुडंट बी बीट इन फास्टर तो जैसे ही अब क्या होगा बहुत ज्यादा ही GFR इंक्रीज हो गया है अब तो सर नॉर्मलाइज करने के लिए हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो गई तो सर नॉर्मलाइज रेगुलेशन के लिए ANF निकलता व्हिच इज एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर समझ आ तो JJSएल अभी बता DCT एफरेंट आर्टेरियो मारूलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाते रेनिन रिलीज करते

एएनएफ हमेशा एक्ट करता जो थांक थांक है एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम थैंक यू विक्रम सिंह थैंक यू थैंक्स मैम फॉर सच अ लॉन्ग एंड नाइस लेक्चर योर वेलकम बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है मिक्सचुरेशन में समझा चुकी हूं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स समझा चुकी हूं फटाफट से रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स सुन लो ध्यान से हां जी पीडीएफ आपको सबको मिलेगी नीना हैव हाँ टू पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी अभी मैंने बोला आपको सिर्फ आप लेक्चर सुनो जो भी मैं समझा रही हूं उसको ध्यान से सुनो अच्छा काउंटर समझ आया बिल्कुल इजीली समझ आया

क्योंकि अब इससे क्या होगा इससे हाइपोटोनिक मीडियम बिल्ड हो जाएगा मेडुलरी इंटरस्टीशियम में तो पानी खुद ब खुद लूप ऑफ से बाहर आ जाएगा जहां पानी जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी आ जाएगा जहां पानी कम है समझ आया ठीक है ऑलराइट चलो ध्यान से ध्यान से कोई ब्रेक नहीं मिल रहा कोई वैसे भी अब अब तो आओ अब तो आओ जाके दो चैप्टर के बाद अब कोई ब्रेक नहीं मिल रहा ठीक है

होता है सोडियम क्लोराइड निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेट में हमारे यूरिया लैक्टिक एसिड भी जाता है बेटा ठीक है सो यूरिया और लैक्टिक एसिड जाएगा हमारी जो सबेश स्टेरॉल्स जाएंगे हाइड्रोकार्बन जाएगा ठीक है बिल्कुल इजीली समझ रहा है सो आर द अदर ऑर्गन जो हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल रही है बट हमारी किडनी प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बिल्कुल इजीली समझ आ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे फटाफट से और इसे क्योर कैसे करेंगे ठीक है सबसे पहली कंडीशन होती है यूरेमिया यूरेमिया मतलब हमारी किडनी ठीक से फिल्टर करके नहीं निकाल पा रही है यूरिया को। तो यूरिया फिल्टर नहीं हो पा रहा है।, उसके कारण हमारे वाइटल जो है वो खराब हो रहे हैं अब ठीक है तो यूरेमिया इज वेरी मच तो उसको हम कैसे ठीक करते बेटा हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं ठीक है थैंक यू कवि थैंक यू सो मच हम पेशेंट को हीमोडायलिसिस सजेस्ट करेंगे मैं तो सुबह से बैठा हूं प्लीज ब्रेक दीजिए बेटा ब्रेक का नहीं है मैराथन क्लासेस है ना मैराथन क्लासेस हैं है आपको आप सुनोगे तो आपको पूरा बायोलॉजी इलेवेंथ का रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे ठीक है आप बोलो मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ पर स्लो से फिर वो मजा नहीं आएगा ठीक है तो फटाफट फटाफट से सारे फ्रेंड्स के साथ है. 717 हो हमें 750 करने लाइक्स 750 लाइक्स वी वांट ठीक है तो हीमोडायलिसिस हम अभी पढ़ेंगे ठीक है उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट देखो यूरेमिया के पेशेंट्स जब बहुत सीवियर हो जाता है यूरेमिया तो फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है ठीक है तो किडनी हम ट्रांसप्लांट किसे करते हैं जो बहुत क्लोज रिलेटिव हो जो डोनर हो वो बहुत क्लोज हो ठीक है तो अब हम ब्लड डायलिसिस हीमोडायलिसिस समझते हैं बहुत बहुत इजी है ठीक है इसके पहले मैं रीनल कैलक्यूलाय समझाओ रीनल कैलक्यूलाय जो होते हैं ये किडनी स्टोन्स होते हैं इनसॉल्युबल ऑक्सिलेट क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स ठीक है सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सीड क्रिस्टल्स ये किडनी में फॉर्म हो जाते बड़े बड़े ठीक है जिसको हमें जिसको हमें क्या करना होता है बहुत ज्यादा ऑपरेट करके निकालना होता है द स्वेलिंग इन दूर uh, स्वेलिंग इन द द्लोमैर स्वेलिंग इन द ग्लोमेरुलस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग अब हीमोडायलिसिस समझो देखो बहुत आसान है किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है यूरिया ठीक है किडनी फंक्शनल नहीं है नेफ्रॉन फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक से तो क्या करेंगे हमारी आर्टरी में से डिओक्स हमारी आर्टरी में से ब्लड लेंगे जैसे आर्टरी में से ब्लड डायग्राम रेफर करो जैसे आर्टरी में से ब्लड निकालेंगे हम हिपारिन डाल देंगे हिपारिन an वो

उसमें कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है पानी के जैसा कंपोजिशन है तो अब उसमें से ब्लड पास हो रहा है जैसे जैसे ब्लड पास होगा उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड में तो बहुत ज्यादा ही यूरिया है यूरिया आ जाएगा कहां हाइपर से हाइपो ठीक है तो यूरिया जो है बाहर फ्लश आउट हो जाएगा सेलोफेन ट्यूब इट्स अ पोरस ट्यूब तो कंसंट्रेशन तो ग्रेडियंट के हिसाब से यूरिया अंदर बाहर आ जाएगा ठीक है जहां जो फ्लूइड है विच इज डायलेसिंग फ्लूइड यहाँ पे यूरिया पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा ब्लड फिल्टर हो जाएगा ब्लड में अब ब्लड को हम हमारे मेन वेन में डाल देंगे मेन वेन जो है हार्ट के पास जाएगी हार्ट से नीचे चला जाएगा कहाँ चला जाएगा पहले लंग्स के पास फिर उसके बाद पूरी बॉडी में ठीक है तो मेन वेन में डालने से पहले हम एंटी ठीक है ब्लड आपको इतना अमेजिंग लेक्चर धन्यवाद <laughs> थैंक यू सो मच ठीक तो है सो है अब जब मेन वेन में हम डालेंगे वापस ब्लड तो हम एंटी हिपैर डालेंगे बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है ओ ओ हो हो बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट अरे ये बहुत इजी है बहुत इजी चैप्टर है और आपको बहुत मजे आएंगे इस चैप्टर में ठीक है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बुला लो तेज मतलब आवाज तेज की फास्ट थैंक यू सो मच निधि फास्ट ठीक है तो और स्लो करते तो फिर रात तक यहीं रुकोगे आप लोग और <laughs> right. मुझे नहीं पता रेस्ट कर लो ना लेट जाओ लेट जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू सोम्या थैंक यू सो मच लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा बहुत भी है फटाफट से पढ़ा आपको मजे आ जाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं देखो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि भैया जिंदा है तो वो लोकोमोशन तक करेगा मूवमेंट तो करेगा ऑल द लिविंग इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी वो बिल्कुल ही मूवमेंट होगी बॉडी पार्ट्स में ठीक है तो मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप की होती है डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होगी अमेबॉइड मूवमेंट होगी सीलियरी सिम्पल पैरामिशियम का एग्जाम्पल ले लो कि वो क्या करता है वो अपने सीलिया को बीट करके अपना फूड साइट ऑफ फेरिंग्स में डालता है हमारे बॉडी में डब्ल्यू बी सीज तो अमेबॉइड मूवमेंट्स करते हैं बिल्कुल ईजिली समझ आए ठीक है फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं डायपडासिस परफॉर्म करके जाते ब्लड वेसल से बाहर ठीक है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन तो ये मूवमेंट्स हमारी बॉडी शो करती है समझ आए हमारी बॉडी में जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी तो मूवमेंट हो रही है मेरी आईलड हिल

लोकोमोशन में ठीक है मेरी डिस्प्लेस होगी बिल्कुल समझ आ गया बट ऑल लोको मोशन इज मूवमेंट बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है आपको ठीक है तो फटाफट इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो बता रही हूँ मसल के बारे में बात करते बेटा मसल अफकोर्स मिसोडर्मल ओरिजिन की होती है

ठीक है आप सबने रिलैक्स कर लिया है सब आराम कर चुकी तो फिर क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करे ठीक है ऑल राइट तो बिल्कुल इजीली समझ आया स्केलेटल इन वोलेंट्री स्केलेटल मसल्स जो होती हैं स्मूथ मसल्स जो होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं ठीक है थीके? समझा चुकी हूँ बहुत इजीली स्लाइड्स में जो मैंने अभी बताया वो आपको लिखा हुआ है सारा नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको सब कुछ ठीक है अभी समझाया कार्डियक बेटा जो है हमेशा बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं और इन बंडल्स को हम बेटा मसल बंडल को हम फैसिकल बोलते हैं ठीक है थीके? बिल्कुल समझ so, muscle, बंडल और ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ tissue, जिसे फेशिया बोलते हैं क्या बोलते हैं फेशा बिल्कुल इजीली समझ आया मसल्स के ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलते हैं ठीक है और अंदर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है राहुल सिंह यू आर एक्सप्लेनिंग एज इफ यूर स्कोल्डिंग सामन नो आई डोंट आई डोंट एवर स्कोल्ड एनीवन बट थोड़ा सा एनर्जी से बोल रही हूँ मैं बस ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है अब मसल्स जो होती है मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें टी टिब्यूल्स ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे जिसमें टी टिब्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आय होते हैं तो टी टिब्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कैल्शियम आयन स्टोर करके रखेंगे तो मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मसल्स हमेशा होती है सिंसीशियम और सीनोसिटिक सिंसीशियम मतलब क्या होता है वेयर न्यूक्लियर डिविजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता कैसा मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाएगी समझ आया तो मसल्स हमेशा सिंसीशियल होती हैं सीनोसिटिक होती हैं मतलब मेनी न्यूक्लियर समझ आया बिल्कुल इजीली मसल्स जो होती है बेटा हमेशा फॉर्म होती हैं बाय द अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स और ये मायोफाइब्रिल्स हमेशा पैरेलली अरेंज्ड होते हैं दीज मायोफाइब्रिल्स आर पैरेलली अरेंज्ड हाय हाय रवि रंजन

ये थिन बैंड होता है ये थिन बैंड होता है और ये लाइट होता है ठीक है थिन और लाइट बैंड कौन सा होता है एक्टिन फिलामेंट का आई बैंड को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड क्या बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड ये किसका बनाता है एक्टिन फिलामेंट का ये थिन बैंड होता है ये लाइट बैंड होता है आई बैंड जो होता है इसको बाइसेक्ट करती है एक लाइन जिसे हम बोलते हैं ये आई बैंड है ध्यान से देखना है बच्चे आई बैंड कोई एक लाइन बाय सेट करती है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन और जेड लाइन से आके जुड़ते सारे एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन से आके जुले जुड़ेंगे से ज़्विटर लाइन बोलते हैं समझ आ गया ऑन द कंट्रीरी ऑफ दिस जस्ट इसका ऑपोजिट बेटा मायोसिन फिलामेंट हमेशा थिक फिलामेंट होगा ध्यान से सुनना मायोसिन फिलामेंट इज ऑलवेज अ थिक फिलामेंट थिक फिलामेंट होगा ये बनाता है एन आइसोट्रोपिक बैंड जस्ट उल्टा एन आइसोट्रोपिक बैंड बनाएगा ठीक है थिक फिलामेंट है डार्क फिलामेंट मायोसिन का है समझ आ गया सो so, मायोसिन जो एन आइसोट्रोपिक ए बैंड जो होता है उसे कट करती है एक लाइन जिसे हम एम लाइन बोलते हैं बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है ठीक है ध्यान से देखो ये एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट नेक्स्ट स्लाइड पे बनाती हूं मायोसिन फिलामेंट जो होता है मायोसिन फिलामेंट इज अ ये हमेशा एन आइसोट्रोपिक बैंड बनाता है एन आइसोट्रोपिक बैंड ठीक है इसे हम ए बैंड बोलते हैं यह हमेशा थिक होता है ये रिवाइज कर रहे हैं, डार्क होता है ए बैंड को कट करता है हमेशा लाइन, समझ आए बाइसे करता है और यहां से आके जुड़ेंगे मायोसिन फिलामेंट बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है ध्यान से सुनना है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हमेशा बोलेंगे और सार्कोमेयर जो होती है ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है मसल की सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल बिल्कुल इजीली समझ आए तो सार्कोमेयर छोटा होता जाएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बिल्कुल इजीली समझ आए ठीक है थीके? तो अब फटाफट से हम स्ट्रक्चर देख लेंगे ठीक है ध्यान से देखो अभी मैंने बताया कि मायोसिन फिलामेंट हमेशा थिक फिलामेंट होता है एक्टिन फिलामेंट जो होता है हमेशा थिन फिलामेंट होता है ठीक है अभी बताया जो आई बैंड को बीच से बायसेक्ट करती है वो जेड लाइन होती है ये देखो आई बैंड को बीच से बायसेक्ट कर रही है लाइट बैंड एक्टिन का ठीक है तो आई बैंड को हमेशा बायसेक्ट करती है जेड लाइन ठीक है बिल्कुल इजीली समझा और एम लाइन जो होती है एम लाइन हमेशा ए बैंड को सॉरी एम लाइन जो होती है हमेशा एनासोट्रोपिक बैंड को बायसेक करेगी ठीक है तो बेटा जब मसल फुल्ली रिलैक्स कंडीशन में होती है तब क्या होगा ध्यान से सुनेंगे द मसल इज इन फुली रिलैक्स्ड कंडीशन तब क्या होगा कि मायोसिन जो थिक फिलामेंट है उस पर थिन फिलामेंट ऐसे करेंगे के 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 तो वो वो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे पे ऊपर कर रहे हैं और जहां पे जिस एरिया में एक्टिन के फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं मायोसिन के फिलामेंट को इस एरिया को हम बोलते हैं एच जोन यहाँ पे है दिस एरिया दिस एरिया तो फटाफट से स्ट्रक्चर देखो देखो अब हम एक्टिव फिल्मेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे फटाफट ठीक है ध्यान से सुनेंगे बच्चा वॉचिंग बढ़ानी है तभी मजा आएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे बच्चे तभी मजा आएगा ठीक है फटाफट से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ नर्वस कंट्रोल में मैं पास कंडक्शन समझा दूंगी फटाफट से तुरंत तुरंत और मैं हार्मोन दोनों ही 15 मिनट वीडियोस हैं तो आप देख सकते हो आप रेफर कर सकते हो ठीक है और चलो फटाफट फटाफट से सुनना है फटाफट से सुनना है एक्टिन एफ एक्टिन का बना हुआ होता है एफ एक्टिन जो होते हैं एक दूसरे के साथ एफ एक्टिन हमेशा ये पॉलिमर है इसका मोनोमर जी एक्टिन है ठीक है तो एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ ऐसे

ये एफ एक्टन है एक दूसरे के साथ अरेन्ज है बीच से जा रहा है एक ट्रोपोमाइसिन और उसके ऊपर ऐसे बीच के फॉर्म में ट्रोपोनिन लगा हुआ है जो ट्रोपोनिन होता है बच्चे ध्यान से सुनना है ट्रोपोनिन हमेशा मास करके रखता है एक्टिन फिलामेंट पे एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन तो बेटा एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन के बाइंडिंग साइट है उसको ब्लॉक करके रखता है हमेशा ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं ध्यान से मैं बोल रही हूँ तो फटाफट -फड़ से सुन लें और वॉचिंग बढ़ानी है ठीक है आई नो आप थक गए हो बट देन एंड ऑलवेज मास्क मैम खुद थक गए बट आपको क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम लो बट स्टिल शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स ठीक है बच्चा ऑल राइट तो ट्रोपोन हमेशा मास्क करके रखता है एक्टिव

ये लाइट मायोसिन है हैवी मायोसिन बेटा मायोसिन फिलामेंट से एक एंगल पे निकला हुआ रहता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे फटाफट से मुझे कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा कि जब जो ग्लोबुलर हेड मायोसिन फिलामेंट से निकला हुआ रहता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम क्रॉसाम बोलते हैं ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं क्रॉसार्म तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझा रही हूं तीन चीजें कि जो माइसिन का हेड है एच एम एम जो है ठीक है एक सेकेंड जो हैवी मीरो माइसिन है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर एक्टिन होते ठीक है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स माइसिन पे एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी और एक्टिव एटीपीएस एंजाइम बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझनी एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर एक्टिन होंगे एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होगा और एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी होंगे अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ध्यान से सुनेंगे स्टोरी जैसे सुनेंगे बच्चे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्शन मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है तो बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट छोरी जो है वो हक्सले हक्सले हेंसन ने दी थी कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड कर रहा होता है ओवर मायसिन फिलामेंट ठीक है तो जैसे ही क्या हुआ जैसे ही कोई स्टिम्युलस आया ठीक है फटाफट से फटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब अभी समझा रही हूँ राहुल आपको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे न्यूरॉन जब मसल की सार्कोलीमा पे आके अटैच होता है तब वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहलाता है वहां पे ध्यान से सुनना एक्शन एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा न्यूरो है एसिटाइल क्या करेगा अब जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल साकोलीमा पे जनरेट हो जाएगा यहां पे जो साकोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम वो कैल्शियम आयन्स को स्टोर करके रखती है कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा

क्रॉस ब्रिज बनाएंगे जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा अब क्या होगा ध्यान से सुनना अब मायोसिन जो है एक्टिन को पुल करने लग जाएगा ठीक है समझ आया तो जेड लाइन खुद ब खुद कम होने होते चले जाएगी बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है जेड लाइन मैंने बताया था फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है जेड लाइन जैसे ही डिक्रीज होते चले जाएगी मसल विल बी इन अ फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई डायग्राम में मैं दिखाऊंगी ध्यान से सुनना है ठीक है मसल अब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गई अब क्या होगा ध्यान ध्यान से सुन अब इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेटा एटीपी हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी यूटिलाइज होती है अब क्या होगा ध्यान से सुनना मसल इज फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड ना क्या होगा एटीपी वापस ब्रेक डाउन हो गए एडीपी और फॉस्फेट में समझ आया ठीक है ठीके? और मसल ने एनर्जी यूटिलाइज कर ली कॉन्ट्रैक्ट हो गई फुल्ली अब क्या होगा मैंने बताया था कि मायोसिन के पास एक्टिव बाइंडिंग साइट्स पर एटीपी भी प्रेजेंट होता है तो अब एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी बन जाएगा मायोसिन से बाइंड कर जाएगा जाके एटीपी जैसे ही एटीपी मैसेन से बाइंड करेगा क्या होगा यह क्रॉस ब्रिज हो जाएगा टूट जाएगा ठीक है एक्टिन और मैसिन का क्रॉस ब्रिज जैसे ही टूटेगा अब क्या होगा फटाफट से ट्रोपोनिन आके बाइंड कर जाएगा कहां पे एक्टिन के साथ कहां पे एक्टिन पे अब वो फिर से मास्क कर देगा मायसिन के बाइंडिंग साइड्स समझ आया तो एक्टिन फिलामेंट पे फिर ट्रोपोनिन आके जुड़ जाएगा ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टूट गया कैल्शियम वापस चले जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके डिपॉजिट हो जाएगा समझ आया सो दिस इज हाउ मसल विल रिलैक्स बिल्कुल इजीली समझ आया ठीक है Alright, so I hope you guys are enjoying, आपको आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे से से है? देखो, you, मैंने बहुत दी क्या बोलते हैं सारे पी प्रोवाइड करें मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बाद आई थिंक आल यू नो द पीडीएफ आई थिंक आई जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास और समथिंग ऑलराइट ठीक है सो so, ध्यान से सुनना है ध्यान से सुनना है एक्टिन फिलामेंट जो है अभी बताया था एडीपी और फॉस्टिट के ब्रेकडाउन से सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या होगा हाँ तो सबसे पहले क्या होगा क्रॉस ब्रिज बनेगा एक्टोमसिन बन, बा, बाइंड हो जाएगा ठीक है कैल्शियम एंस जो है वो बाइंड कर जाएंगे कैल्शियम मैं जो है ट्रोपोनिन से बाइंड करके ट्रोपोनिन को अलग कर देंगे एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स